नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे कि वीएमसी और एचएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है और यदि आप एक बिगनर हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आप जो है वीएमसी मशीन से इंटरैक्ट हो रहे हैं, आज तक आपने कोई भी मशीन के बारे में नहीं पढ़ा है, तब भी ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीएमसी मशीन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को आप कहीं पर भी स्किप मत करिएगा और जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसके प्रोग्राम्स को आप थ्योरेटिकली हमारी वीएमसी और एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक में ज़रूर टैली करिएगा, ताकि आपको जो है ढंग से समझ में आए। तो चलिए, ये वीडियो सीरीज को हम स्टार्ट करने से पहले आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि वीएमसी मशीन क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, साथ में जो है हम आपको बताएंगे कि प्रोग्राम को आप किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। तो चलिए फिर आप जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये है एक्चुअल वीएमसी मशीन। इस टाइप की जो है वीएमसी मशीन आपको मिलेगी। इसके अंदर जो है आपको देखने को दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो हार्डवेयर होता है और एक इसका सॉफ्टवेयर होता है। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। देखिए, सॉफ्टवेयर वाला जो सेक्शन है ये जो है इसका कंट्रोल पैनल है, यानी कि यहाँ से आप जो है पूरी मशीन को कंट्रोल करेंगे। ये कंप्यूटर है इसके अंदर और यहाँ पर जो है ऑपरेटर के लिए कुछ कीज़ दिए हुए हैं जो इस मशीन को ऑपरेट करेगा तो वो इस पैनल का यूज़ करेगा। ठीक है, ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं ये जो है इसका हार्डवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के इंटीग्रेशन के थ्रू जो है ये मशीन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। सीएनसी एक ऐसा एम्बेडेड सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। अब यहाँ पर हमको जो है प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है, हार्डवेयर के बारे में आप जो है यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी जो इसका बेसिक मॉडल होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका वीएमसी मशीन का एक वर्चुअल व्यू है। इसके अंदर आपको जो है ये पैनल आपको मिल जाएगा, ये जो है आपका हार्डवेयर है। मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आपको ये दिखा देता हूँ। बेसिक जो मशीन का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में ये होता है। मशीन के अंदर जो है ऊपर स्पिंडल होता है, ये जो होता है बेड, इस बेड के ऊपर जो है वर्कपीस आपको फिक्स करना होता है और यहाँ पर जो है आपको टूल लगाना होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये आप देख सकते हैं, बाकी मशीन जो है वो यही होती है। बाकी इसके अटैचमेंट्स होते हैं, जो भी इसके लिए एसेसरीज वगैरह इसमें लगानी होती है वो हम जो है इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अगर टूल टूट जाता है तो ये इधर उधर मूव ना करे, इसलिए जो है इसके ऊपर जो है कवर लगाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग बुक के बारे में। तो चलिए फिर प्रोग्रामिंग बुक में आपको दिखा देता हूँ। तो अब बात करते हैं वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के बारे में। ये जो वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक हमने बनाई हुई है, इसके अंदर हमने वीएमसी और एचएमसी मशीन दोनों के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो किन सिस्टम के बेस्ड पर ये काम करेगा, कैसे जो है इसके हमको स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक में प्रोग्राम बनाने के लिए जो हमको स्टेप फॉलो करने हैं वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो मशीनिंग प्रोसेस का स्टेप होता है वो होता है आपका ड्राइंग। कोई भी चीज़ आपको बनानी है उसकी ड्राइंग या तो आपके पास होनी चाहिए या फिर आपके दिमाग में वो कंपोनेंट होना चाहिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। तो इमेजिन करिए, या फिर आपके पास जो है कोई कंपोनेंट ड्राइंग पहले से अवेलेबल है। ठीक है, जब आप इमेजिन करते हैं तो उसकी ड्राइंग आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है काम स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एग्जामिन ड्राइंग टू डिटरमाइन फिक्चरिंग मशीनिंग ओरिजिन प्रोसेस एंड टूलिंग। अब इस ड्राइंग में जो कंपोनेंट बनाया हुआ है उसके बारे में आपको पहले समझना होगा। क्या समझना है कि इसके अंदर फिक्चर कौन सा लगेगा, मशीन का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से होगा, प्रोसेस कौन सा लगाना है और टूलिंग कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये आपको आने वाले समय में हम आपको बताएंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दूसरा नंबर है
प्रोग्राम प्रिपरेशन। अब टूलिंग, मशीनिंग, प्रोसेस और ये सारी चीज़ें आपको जब पता चल जाती हैं, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जो है आपने कलेक्ट कर रखी हैं, तो अब क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम आपको बनाना है। प्रिपेयर ए प्रोग्राम वाइल कंसिडरिंग कटिंग कंडीशन एज RPM, डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट। अब देखिए, प्रोग्राम बनाने से पहले आपको जो है क्या क्या समझना है, कटिंग कंडीशंस, किन कटिंग कंडीशंस में आपको कट करना है, यानी मटेरियल जो रिमूव करना है वो किस कटिंग कंडीशन में लगाना है, मटेरियल का ग्रेड कौन सा है। ठीक है, अब मटेरियल का ग्रेड आपको पता चल गया कि इस मटेरियल ग्रेड का बनाना है, तो उसके ऊपर टूल कौन सी ग्रेड का लगाना है ये समझना है। अब जब आपने टूल ले लिया, तो टूल के लिए अब आपको समझना है कि टूल को कितने RPM पे घुमाना है। ठीक है, कटिंग स्पीड क्या देनी है, RPM कितना देना है, फीड रेट आपको क्या देना है, ये सब चीज़ आपको जो है टूल और मटेरियल, इन दोनों जो कंडीशन है इनके रिलेशन के हिसाब से आपको फॉर्मूला फिट करके डेटा डालना है, फिर वो चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यूज़ करनी है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामर क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड किसी भी एक प्रोग्राम को देखकर वहां से कॉपी कर लेते हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपको निकालने हैं, तभी आप जो है सही मायने में प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको समझना होगा मटेरियल कौन सी ग्रेड का है, उस मटेरियल ग्रेड पे आपको टूल कौन सा यूज़ करना है, और उस टूल को यूज़ करने के लिए कितना RPM, कितना फीड रेट और कितनी कटिंग स्पीड आपको लगानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सही प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो तीसरा स्टेप कहता है प्रोग्राम क्रिएशन। ठीक है, राइट द प्रोग्राम इन कंट्रोल और अनदर एडिटिंग सोर्स एज पर द प्रोग्राम प्रिपरेशन। प्रोग्राम बनाओगे कहाँ पर, पहली चीज़ तो ये है। अब देखिए, प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है, दो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है, या तो हम अपने कॉपी या पेन के थ्रू जो है प्रोग्राम अपने दिमाग से बनाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दूसरा हम जो है किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, कंप्यूटर अगर काम करेगा तो हमें अपने दिमाग को चलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा तो जो कंप्यूटर अगर गलती करेगा हम उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को तेज करना है ताकि जो है कंप्यूटर हमको बेवकूफ ना बना सके। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, हमको पेपर और पेन की मदद से प्रोग्राम को बनाना है, कोऑर्डिनेट एक एक करके फाइंड करने हैं, ये सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोग्रामर के बनने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा जो है टेस्ट रन। अब टेस्ट रन तो जरूरी होता है, चाहे आप कंप्यूटर से बनाएं चाहे आप जो है मैन्युअली प्रोग्राम बनाएं, उसका टेस्ट रन जरूर करना चाहिए। अब देखो, टेस्ट रन करने के लिए या तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो जिसमें जो है आप अपना प्रोग्राम डालें और उसको चलाकर देख लें, दूसरा या तो मशीन में जाके जो है आप ड्राई रन करके देख लीजिए। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं कि मशीन के अंदर डाला आपने और जो वर्क पीस है उसको ना लगा करके जो है हवा में उस प्रोग्राम को चलाकर देख लीजिए, इसको बोलते हैं टेस्ट रन, ड्राई रन, टेस्ट रन, या फिर आप जो है ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कहाँ पर करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मशीन के अंदर अगर आप गलती करेंगे तो मशीन टूट सकती है, मशीन टूटेगी तो मशीन का जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, तो जो चीज़ महंगी पड़ेगी हमारे लिए उससे हमें अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, उसको पहले हम अवॉइड करके चलेंगे और अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्ट रन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा चौथा स्टेप। अब पांचवा स्टेप है मशीनिंग। मशीनिंग के लिए क्या करना है, मशीनिंग जब हम करते हैं यानी एक्चुअल मशीन के ऊपर जब हम लगाते हैं तो वहां पर हमको क्या क्या चाहिए, देखिए, सेट टूल्स, टूल सेट करने हैं, सेट ऑफसेट वैल्यूज, ऑफसेट वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, देन प्रोसेस ट्रायल टेस्ट वर्कपीस, एक सैंपल वर्कपीस लेना है। ठीक है, एक सैंपल वर्कपीस इसलिए लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ इसमें गड़बड़ होती है तो वो खराब होगा, सैंपल ही तो खराब होगा, और सैंपल खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एक सैंपल पीस लगाते हैं और उस पर जो है मशीनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, जब आपने सैंपल टेस्ट कर लिया अब उसमें क्या करना है, आपको डायमेंशन चेक करनी है। ठीक है, तो ये छठा स्टेप कहता है प्रोडक्ट कंप्लीशन एंड इंस्पेक्शन।
ये कहता है क्वालिटी चेक, जो चीज़ आपने बनाई है क्या वो सही बनी है या नहीं बनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप चेक कर पाएंगे कि क्या ये कंपोनेंट सही बना है या नहीं बना है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके टॉलरेंसेस क्या है, ठीक है, वो सारे के सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। तो ये 6 स्टेप में आपको जो है प्रोग्रामिंग समझनी है, ठीक है। और मेरा आपसे ये वादा है कि आप जब ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग बुक समझेंगे, पढ़ेंगे और इसकी जो वीडियोज़ हैं इनको आप देखेंगे, तो आपको जो है ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग इजीली समझ में आएगी। एक एक स्टेप हम इसमें कवर करेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो 6 स्टेप हैं इनको समझने के लिए आपको जो है सारे के सारे वीडियोस देखने हैं, और जो बुक मैंने आपको भेजी हुई है इस बुक को सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप इस बुक को पढ़ेंगे उसके साथ में वीडियोस को देखेंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो निकल के आएंगे कि ये कैसे होगा, वो आप जो है लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लाइव सेशन भी देंगे आपके लिए। और अगर आपको जो है यहाँ से कोई और एडिशनल डाउट लगता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाएंगे अपने सेंटर पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड मेंबर ही आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक के चैप्टर नंबर 2 की। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टर्म्स को। तो आप जो है अपनी बुक के पेज नंबर 16 को ओपन कर लीजिए, यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है प्रोग्राम नंबर। किसी भी प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें उसका एक नंबर देना पड़ता है। इस नंबर को जो है प्रोग्राम नंबर कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फानुक कंट्रोल की, तो फानुक कंट्रोल में जो है प्रोग्राम नंबर होता है ओ से डिफाइन, ठीक है। ओ जो लेटर होता है ये डिफाइन करता है प्रोग्राम नंबर की लाइब्रेरी को, यानी कि जिस लाइब्रेरी में हम जो है ये प्रोग्राम सेव करेंगे वहाँ से अगर हमको प्रोग्राम उठाना है तो हमको पहले ओ लेटर लिखना होता है, उसके बाद जो है प्रोग्राम नंबर हम लिखते हैं। अब ये तो होगी बेसिक चीज़ कि भाई 4 डिजिट का प्रोग्राम नंबर है और ओ लेटर से डिफाइन है, बट हमको समझना होता है कि कितने टाइप के प्रोग्राम होते हैं और किस किस नंबर की सीरीज में जो है कौन सा प्रोग्राम डिफाइन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्राम जो नंबर होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है जनरल प्रोग्राम्स की कैटेगरी, ठीक है। जो जनरल प्रोग्राम की कैटेगरी होती है वो प्रोग्राम नंबर होता है 0000 से लेकर 7999। ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर जो है हम जनरल प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। अब जनरल प्रोग्राम क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर सीखेंगे वो जनरल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो एडिटेबल होते हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल होता है कि हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो जनरल प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि कैनेड साइकिल, कैनेड साइकिल मैं आपको आगे डिफाइन करूँगा कि कैनेड साइकिल क्या होती है। फिक्स साइकिल जो प्रोग्राम होते हैं वो जो प्रोग्राम्स आते हैं वो जनरल प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए कि जनरल प्रोग्राम जो होते हैं वो 0000 से लेकर 7999 की रेंज में होते हैं। अब ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वेरी कर सकती है। कैसे वेरी कर सकती है? जैसे कि हम कोई कार खरीदते हैं तो उसके जो है 3 से 4 वेरिएंट होते हैं, बेसिक वेरिएंट, मिड रेंज वेरिएंट और टॉप मॉडल। इसी टाइप से जो है जो कंट्रोलर हमारे पास आता है मशीन के साथ उसमें भी जो है हमें बेसिक वेरिएंट मिलता है, मिड रेंज वेरिएंट मिलता है और टॉप मॉडल मिलता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप मॉडल की, ठीक है। जब आप टॉप मॉडल का कंट्रोलर लेंगे उसके अंदर जो रेंज रहेगी वो ये रेंज रहेगी, ठीक है। ये रेंज कम या ज़्यादा हो जाती है, बट पहली जो कैटेगरी होती है वो जनरल की होती है। इसके अंदर हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं इस रेंज के अंदर, ठीक है, ये हमारा जनरल प्रोग्राम कहलाएगा। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है कस्टम मैक्रो प्रोग्राम की।
कस्टम मैक्रो प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर हम फॉर्मूले फिट करके एक ही टाइप के कंपोनेंट बनाने होते हैं, तो हम जो है कस्टम मैक्रो प्रोग्राम बनाते हैं। कस्टम में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से डेटा को डाल के फॉर्मूले बना के जो प्रोग्राम रन करेंगे तो वो हमारा कस्टम मैक्रो प्रोग्राम कहलाएगा। ये भी एडिटेबल होते हैं, इसके अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो ये हमको जो है पैरामीटर 3202#0 इससे जो है इनका प्रोडक्शन रहता है। मतलब ये पैरामीटर को आप जो है पहले आपको चेंज करना होगा, उसके बाद जो है आप इसकी रेंज में अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 8000 से लेकर 8999 तक होती है, ठीक है। इस रेंज में आप जब प्रोग्राम सेव करेंगे तो वो कस्टम मैक्रो के प्रोग्राम कहलाएंगे, ठीक है। कस्टम मैक्रो प्रोग्राम के बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दो ही टाइप के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, एक तो जनरल प्रोग्राम, दूसरा कस्टम मैक्रो प्रोग्राम्स, ठीक है। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है मशीन मैक्रो प्रोग्राम की। ये जो प्रोग्राम की रेंज है ये हमारा जो मशीन का मैन्युफैक्चरर है या सर्विस इंजीनियर है यही इसको जो है सेट करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो कंपनी का मैन्युफैक्चरर या उसका सर्विस इंजीनियर ही करता है, ठीक है। तो इसको हमें को जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि भाई मशीन के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं जो सेव करते हैं वो हम किस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला हो गया जनरल प्रोग्राम्स, दूसरा होगा कस्टम मैक्रो प्रोग्राम, तीसरा हो गया आपका मशीन मैक्रो प्रोग्राम। इन तीन कैटेगरीज में हम अपने प्रोग्राम्स को डिफाइन करते हैं। ये जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म कहलाती है हमारी सीक्वेंस नंबर। जो भी प्रोग्राम हम रन करेंगे उसके अंदर जो है हम अलग अलग लाइंस लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम की अलग अलग लाइन होती हैं, तो उन लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको एक सीक्वेंस नंबर देना होता है, तो ये सीक्वेंस नंबर कहलाता है। वैसे तो आप इसकी जो है थ्योरी पढ़ लीजिए, ए न्यूमेरिकल नंबर फॉलोज द लेटर एन एट द प्रोग्राम लाइन बिगनिंग। जब भी आप प्रोग्राम की लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो है आपको एक सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा। सीक्वेंस नंबर इसी तरह से कहलाता है जैसे सीरियल नंबर होता है। एक सीरियल नंबर हम जब भी लिखते हैं कोई क्वांटिटी तो उसका एक सीरियल नंबर डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है उसके अंदर हमें अगर सीरियल नंबर लिखना है तो हम उसको एन के साथ डिफाइन करेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन है। टूल नंबर वन के लिए जो है यहाँ पर N001 ये जो सीक्वेंस नंबर है ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जो भी लाइन आप लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए ये ऊपर हो गया आपका प्रोग्राम नंबर, ये हो गया आपका सीक्वेंस नंबर। अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम की अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है। इन लाइनों को ब्लॉक कहते हैं, वो मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। तो हर एक लाइन के आगे जो है आपको एक सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है। ये सीक्वेंस नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि मशीन कोई भी पहले से कोई दूसरी लाइन ना पढ़ ले। मतलब अगर आपने प्रोग्राम में यहाँ पर 5 नंबर दिया है तो जो सबसे पहले आता है उस नंबर को पहले रीड करेगी। अगर आपने जो है यहाँ पर N90 की जगह पर N05 लिख दिया तो जो है मशीन सबसे पहले इसको रीड करेगी। इसलिए जो है हमको एक सीक्वेंस बनाना होता है प्रोग्राम को लिखने के लिए, ताकि कहीं गलती से जो है मशीन लास्ट वाली जो लाइन है उसको पहले ना पढ़ ले। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम सीक्वेंस नंबर लिखेंगे वो इंक्रीमेंटल मोड में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे ऊपर जो है हमें सबसे कम नंबर लिखना है, नीचे जो है उससे ज़्यादा बढ़ाते हुए हमको यहाँ पर लिखते चले जाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म कहलाती है ब्लॉक। अब ब्लॉक को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉक एक्चुअल में है क्या। ब्लॉक एक तरीके से देखा जाए तो मशीन के एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो जहाँ तक हमारा फुल स्टॉप आ जाता है वो जो लाइन होती है वो हमारा जो है पूरा ब्लॉक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए O1111 ये प्रोग्राम नंबर है, लेकिन मशीन के लैंग्वेज में हम इसे एक ब्लॉक बोलेंगे कि ब्लॉक ये है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी जो लाइन है इस पूरी लाइन को जो है हम सेकंड ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। ये जो पूरा थर्ड लाइन है इसको जो है हम थर्ड ब्लॉक कहेंगे। अब आप समझिए कि ये ब्लॉक का सिस्टम हमने इसमें क्यों किया। कोई भी
मीनिंगफुल सेंटेंस तभी होता है जब उसमें जो है सही तरीके से शब्दों का चुनाव होता है। जैसे कि अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि राम जाता है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, राम जाता है, राम जा रहा है, तो वो जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ रहा है। तो वो कब कंप्लीट होगा, जब वो है के बाद अपना जो है विराम वाला जो पोर्शन है वहां तक आप रीड कर लेंगे तब। अगर आप पहला शब्द पकड़ते हैं तो वहां पर जो है आपको मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आपको पूरी की पूरी सेंटेंस को समझना होगा। तो यहां पर देखिए, ये पूरी की पूरी एक लाइन है, इनके कोड्स को मिला के एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आएगा। वो जो कमांड होगी वो कमांड मशीन समझेगी कि भाई ये जो यूजर है मुझे ये कमांड दे रहा है, अब मुझे इसके हिसाब से काम करना है। तो ये तब होगी जब वो पूरा का पूरा ब्लॉक रीड करेगी। ठीक है, मशीन को अगर आप सिर्फ एक कोड दे देंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगी और वहां पर वो एक्शन नहीं ले पाएगी। मशीन के अंदर जब आप प्रोग्राम को रीड करेंगे तो मशीन जो है आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक रीड करके वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन में आएगी। तो मशीन को जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक समझ में आता है, पहला ब्लॉक में जो कमांड दी है वो उसको रीड करेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें एक्शन क्रिएट करेगी, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से जो है हमारी मशीन काम करती है। तो ये ब्लॉक जो है हमारा डिफाइन कहलाता है पूरी की पूरी लाइन को। ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब हम जो नेक्स्ट टर्म यूज़ करते हैं वो है वर्ड। वर्ड एक्चुअल में है क्या, वर्ड का मतलब है कि शब्द। शब्द बनते हैं अलग अलग अल्फाबेट्स को मिला के, यानी कि अक्षरों को मिला के जो है वर्ड बनता है। तो मशीन के अंदर जो प्रोग्राम हम करते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड होते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकलता है वो हम यूज़ करते हैं, उसको कहलाते हैं वर्ड। ठीक है, अब वर्ड के अंदर देखिए एन और वन। एन एक अल्फाबेट है यानी कि एक अक्षर है, वन एक न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है, नंबर्स है। तो इन दोनों को मिला के जो कंबाइंड रिजल्ट निकलेगा इसको हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, जी जीरो वन, जी जीरो टू, एन वन, एन टू, एन थ्री, ये कंप्लीट जो है हमारा वर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है एड्रेस। एड्रेस क्या है, एड्रेस यहाँ पर होता है जो अल्फाबेटिक लेटर है उसको हम एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि एन वन में एन जो है ये हमारा एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, जी जीरो में जी जो है हमारा एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो एड्रेस में और न्यूमेरिक डेटा में आपको अंतर पता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल डेटा दिया है, न्यूमेरिकल डेटा का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारी जो है न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। जैसे 1, 0, 0, 0 ये जो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा कहलाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक यहाँ पर लिखा हुआ EOB। EOB का मतलब है कि आपको जो है सेमी कॉलन यूज़ करना है। सेमी कॉलन जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा एंड ऑफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, अब एंड ऑफ ब्लॉक को हम यूज़ क्यों करते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक को यूज़ इसलिए करते हैं ताकि कि एक पूरा सेंटेंस ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमको एक फुल स्टॉप लगाना होता है इंग्लिश में, और हिंदी के अक्षरों में जो है हम एक पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम का जो काम करता है वो हमारा एंड ऑफ ब्लॉक है। अब एंड ऑफ ब्लॉक को समझने के लिए जो है आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एंड ऑफ ब्लॉक जो है फुल स्टॉप की तरह काम करता है। अगर आप एंड ऑफ ब्लॉक किसी भी ब्लॉक के एंड में नहीं लगाएंगे तो मशीन जो है नेक्स्ट ब्लॉक को रीड कर लेगी। इससे क्या होगा कि एक साथ जो है दो लाइनों की कमांड एक साथ मशीन रीड करेगी। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट लाइन के आगे जो है हम एंड ऑफ ब्लॉक लगा देते हैं ताकि जो मशीन है वो अपना नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट ब्लॉक में जाकर रीड करे। तो ये तो हो गई हमारी प्रोग्रामिंग टर्म्स। इन प्रोग्रामिंग टर्म्स के अलावा जो है हम जो है जी कोड और एम कोड को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जी और एम फंक्शन के बारे में। इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो है हमारी VMC NHMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 17 से आगे के जो पेजेस हैं उनको ओपन करके रखना है और वहाँ पर जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो डेटा दिया हुआ है उसको टैली करते हुए समझना है। सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप के कोड हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो देखिए,
जो मशीन होती है उसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी है फानो कंट्रोल के अंदर, तो हम दो टाइप के फंक्शंस यूज करते हैं, एक होता है जी कोड, दूसरा होता है एम कोड। अब जी कोड को समझ लेते हैं। जी कोड का जो दूसरा नाम है वो है RS-274D। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है RS-274D को, तो ये जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि कैसे जो है हमारा पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब बात करते हैं एम कोड की। तो एम कोड को हम कहते हैं मिसलेनियस फंक्शन, ठीक है, जो मशीन कोड्स भी कहलाते हैं, और इनका यूज जो है डायरेक्टली हमारी मशीन के ऑपरेशन को डायरेक्ट ऑपरेट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हमें कूलेंट ऑन करना है या फिर कूलेंट बंद करना है, चक ओपन करना है, चक क्लोज करना है, चक को रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो फंक्शन होते हैं जिसका डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में कटिंग के लिए यूज नहीं होता है वो हमारे एम कोड कहलाते हैं। जी कोड वो कोड्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है पैरामीटर सेट करते हैं और मशीन के अंदर कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जितनी भी कटिंग होगी वो हमारे जी कोड या जी फंक्शन से ही होगी। अब ये तो होगी टेक्निकल बात, अब बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कैसे हमको इसको समझना है। तो जी कोड जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉडल कोड्स, दूसरे होते हैं नॉन मॉडल कोड्स। अब मॉडल और नॉन मॉडल कोड ये दो अलग अलग टाइप की कैटेगरी हैं। इन दोनों कैटेगरी को समझने के लिए मैं आपको जो है एग्जांपल समझाऊंगा। पहले मैं जो आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट को समझना है, उस चार्ट का आपको यूज कैसे करना है, ये चीज मैं आपको कुछ रूल्स के साथ समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं टेबल। ठीक है, बुक के पेज नंबर 18-19 पर जाकर आप जो है देख लेना, वहां पर आपको जो है इस टाइप की एक टेबल दी होगी। ठीक है, इसमें जो है आपको कोड्स दिए हुए हैं, उनके काम दिए हुए, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए, ये जी कोड की एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, हालांकि आप सारी की सारी लिस्ट याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि इनके जो फंक्शंस हैं उनको याद कर लीजिएगा, ताकि आगे जो है आपको आसानी हो जाएगी प्रोग्राम में। ठीक है, तो कुछ चीजें मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी। अब देखो यहां पर दिया हुआ है ग्रुप, ये ग्रुप दिया हुआ है 01, 00, 17, 02, 06। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको बहुत सारे प्रोग्रामर जो है नहीं समझते हैं और डायरेक्ट जो है प्रोग्रामिंग याद कर लेते हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसका जो एक रूल है वो इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा। यहां पर देखिए 01 दिया हुआ, ये ग्रुप नंबर है। इस 01 ग्रुप के अंदर जो है आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये चार कोड दिए हुए हैं। इन चार कोड के ऊपर ही पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग डिपेंड करेगी। हर प्रोग्राम के अंदर जो है इस टाइप के कोड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए 00 कोड, ये जो कोड है ये नॉन मॉडल कोड है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 00 जो ग्रुप है ये हमारा नॉन मॉडल कोड कहलाता है। अब मॉडल और नॉन मॉडल को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये दिया हुआ आपका 01 कोड, ये आपका मॉडल कोड है, ये आपका नॉन मॉडल कोड है। अब इसको समझने के लिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। मॉडल क्या है? मॉडल कोड वो कोड होता है जिसको अगर आपने एक बार यूज किया, एक बार अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, तो वो पूरे प्रोग्राम में तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि उसको उसी ग्रुप के किसी दूसरे कोड के साथ रिप्लेस ना किया जाए या फिर कैंसल ना किया जाए। रिप्लेस करने का मतलब है, अगर आपने जैसे कि ये 01 जो है मॉडल कोड है, इसको अगर आपने G00 को यूज़ किया, तो ये G00 तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि आप इसमें से कोई दूसरा कोड यूज़ नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले G00 कोड का यूज़ किया, उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट ब्लॉक में G01 कोड यूज़ कर दिया, तो अब G00 एक्टिव ना रह करके G01 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हालांकि एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा भी और वहां पर बताऊंगा भी, लेकिन आप अभी ये याद कर लीजिए कि G00, G01, G02 इनमें से कोई भी सिर्फ एक कोड आपको एक ब्लॉक में यूज करना है। याद रखिएगा, ये भी एक रूल है, इस रूल को आप जो है बुक के अंदर देख लीजिएगा, उसमें अंदर मैंने पूरा का पूरा एक रूल चार्ट बनाया हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कौन सा कोड हमको कब यूज करना है और कौन सा अलार्म आ सकता है। यहां पर
ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही कोड, एक ग्रुप का एक ही कोड आपको एक ब्लॉक में यूज करना है। ऐसा मत करिएगा कि आप जो है एक ही ब्लॉक के अंदर दो कोड यूज कर दें, जैसे कि G00 और G01। दोनों ही कोड अगर आपने एक ही ब्लॉक में लिख दिए तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, वहां पर अलार्म आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए जो लिस्ट दी हुई है बुक के अंदर, उस लिस्ट के अंदर जो रूल्स दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है प्रोग्राम बनाने से पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉन मॉडल कोड। नॉन मॉडल कोड क्या कहलाते हैं? नॉन मॉडल कोड वो कोड होते हैं जो वन शॉट जी कोड कहलाते हैं। वन शॉट जी कोड का मतलब है कि एक बार ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र, अगर आपको एक बार ब्रह्मास्त्र मिल जाता है तो वो आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ये नॉन मॉडल कोड है, इनको भी आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर, और ये तब तक ही एक्टिव रहेंगे जब तक आपने जो है इसको यूज किया। जैसे कि एक ब्लॉक नंबर वन में आपने अगर कोई भी कोड यूज किया इसका, तो वो एक बार यूज हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ब्लॉक मैंने आपको बताया हुआ है, सीक्वेंस नंबर आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैंने जो है आपको बेसिक टर्म्स आपको पहले समझाई दी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको जो है आगे समझाऊंगा कि कैसे आप जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 00 कोड आप याद कर लीजिए, ये नॉन मॉडल कोड है। ये 01 कोड जो है आपका मॉडल कोड है। उसके बाद देखिए यहां पर जो है कैंड साइकिल 09 ग्रुप जो है, ये देखिए 09 ग्रुप जो दिया हुआ है G73 से लेकर G89 तक, ये जो है हमारी कैंड साइकिल ग्रुप है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना जरूरी है। जैसे 01 ग्रुप और 00 ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से जो है 09 ग्रुप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंड साइकिल है, इसकी प्रोग्रामिंग हमको करनी है। अगर आप 01 ग्रुप में से कोई एक यूज करते हैं कोड और 09 ग्रुप में से अगर कोई यूज करते हैं कोड, तो एक ही कोड एक्टिव रहेगा, चाहे आपका 01 ग्रुप का लगा रहा है या फिर आपका ये 09 ग्रुप का रहे। ये दोनों ग्रुप के कोड, ये G73, G74, ये और G01, G00, G02, G03, इन दोनों को आप सेम ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 2 है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सिंपल सी चीज़ें आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, पर ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से अलार्म आता है। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, ताकि आप जो है प्रोग्राम के जब लेवल पे जाएं, लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस करें, तो आपको ये चीज़ पता हो, क्योंकि जो आपका बेस है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 09 ग्रुप, 01 और 00 ग्रुप, इन तीनों ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मॉडल और नॉन मॉडल कोड का एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, तो आपको जो है और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देखिए, ये मॉडल कोड दिया हुआ है। ठीक है, मॉडल कोड में क्या लिखा है? द कोड रिमेन्स एक्टिव व्हेन प्रोग्राम ऑन एवरी लाइन ऑफ प्रोग्राम एंड डज नॉट रिक्वायर रीप्रोग्रामिंग और एनी फॉलोइंग ब्लॉक्स अंटिल इट इज रिप्लेस्ड बाई अनदर एक्शन कोड ऑफ द सेम ग्रुप नंबर। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था, कि अगर आपने कोई भी कोड मॉडल कोड का यूज किया और उसके अलावा कोई चीज नहीं लिखी, तो वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि आप जो है इसको रिप्लेस नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए G01XYZ, तो यहां पर जो है पूरे में जो है G01 कोड एक्टिव रहेगा। ठीक है, पूरी लाइन में आपका एक्टिव रहेगा। ऐसी कितनी भी लाइनें आप नीचे लिख दें जहां पर G0 यूज ना करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो आप लिखेंगे वो वहां एक्टिव रहेगा, लीनियर कोड। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब होता है G01 का, G02 का, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब नॉन मॉडल कोड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन मॉडल कोड का एक एग्जांपल है ड्यूल साइकिल है, जैसे कि G04 कोड है। G04 जो कोड होता है वो नॉन मॉडल कोड होता है, तो यहां पर लिखा हुआ G04 प्रोग्राम ड्यूल। ए प्रोग्राम ड्वेल टाइम कैन बी क्रिएटेड बाई एट एनी पॉइंट इन ए प्राम, दिस इज अ नॉन मॉडल कोड विच कैन ओनली बी प्रोग्राम ऑन इट्स ऑन लाइन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जिस लाइन में आप इसको यूज करेंगे उसी लाइन में ये एक्टिव रहेगा। हालांकि मैं इसको अपने
जो वीडियो है G04 यूज़ करने वाले, उसमें आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से ये आपका काम करेगा। फिलहाल जो है आप ये याद कर लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है इनके ऊपर जो है साथ में दिया हुआ ये कोड है, इन कोड के जो ग्रुप हैं इनका क्या फंक्शन है और इसके रूल क्या है। रूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जी कोड मार्क ऑन द नेक्स्ट पेज आर इनिशियल जी कोड व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑन फॉर G20 एंड G21। इसमें क्या लिखा हुआ है, G20 और G21 जो कोड है मैं आपको दिखा देता हूँ। G20 और G21 कहाँ पर लिखा है, ये देखिए G20 और G21 ये ग्रुप 6 के हैं, ठीक है। ग्रुप 6 वाला जो कोड है इसका क्या फंक्शन है कि इसका फंक्शन ये है कि आप जो प्रोग्राम बनाएंगे वो किस डायमेंशंस में बनाएंगे, ठीक है। डायमेंशंस का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू मेज़र कर रहे हैं वो इंच में मेज़र कर रहे हैं या MM में मेज़र कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को इंच में मेज़र कर रहे हैं तो मशीन भी आपकी इंच में मेज़र करे, उसके लिए आपको जो है उसका कोड लगाना होगा। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है G20 इंपीरियल डायमेंशंस, इसका मतलब है कि इंपीरियल डायमेंशंस का मतलब होता है वो डायमेंशंस जो स्टैंडर्ड यूज़ करता है, इसको SI बोलते हैं, SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट में जो है इंच यूज़ होता है। यहाँ पर G20 जो है वो इंच की डायमेंशंस को डिफाइन कर रहा है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। G21 जो होता है मीट्रिक डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि MM वाला जो कैलकुलेशन है, MM माइक्रोन जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा जो है G21 कोड से यूज़ होता है। तो अब ये कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है कि जो ग्रुप 6 है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जिस भी प्रोग्राम में आपने एक बार डाल दिया तो वो ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये मॉडल कोड है, तो मॉडल कोड क्या होते हैं, एक बार आपने इसका यूज़ कर लिया तो ये आपका एक्टिव रहेगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मॉडल कोड हैं। 01 ग्रुप जो है आपका मॉडल कोड है, 17 ये आपका मॉडल कोड है, ठीक है। उसके बाद 02 जो है आपका मॉडल कोड है, 06 आपका मॉडल कोड है, ये आपका 00 जो है ये नॉन मॉडल कोड है, ठीक है। ये भी नॉन मॉडल है, ये भी नॉन मॉडल है, ठीक है। उसके बाद देखिए 07 ये भी मॉडल कोड है, 08 ये भी मॉडल कोड है, उसके बाद जो है आपका 08 ये भी आपका, ये आपका मॉडल कोड है, ठीक है। 11 ये भी आपका मॉडल कोड है, 22 भी मॉडल कोड है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 ये आपका मॉडल कोड है, 15 भी आपका मॉडल कोड है, 12 आपका मॉडल कोड है, 16 आपका मॉडल कोड है, 09 आपका मॉडल कोड है, 03 आपका मॉडल कोड है, 05 आपका मॉडल कोड है और 10 ये आपका मॉडल कोड है। तो 00 जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, आप देखेंगे ना यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठेंगे, ये आपका 00 है, ये आपका 00 है, ये आपका 00 है, ठीक है, ये आपका 00 है, ये 00 है, ठीक है, 00 ये रहा आपका और ये रहा 00। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो 00 ग्रुप है ये आपका नॉन मॉडल कोड है। अगर आपने नॉन मॉडल कोड यूज़ किया तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक में एक्टिव रहेगा। इसके अलावा जितने भी कोड हैं ये सब आपके आपका मॉडल कोड है, एक बार आपने यूज़ कर लिया तो वो तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक कि उसी ग्रुप का किसी कोड से जो है इसको रिप्लेस ना किया जाए या फिर जो है आपको इसको कैंसिल ना किया जाए। अब कैंसिल करने वाले कोड कौन से हैं, ठीक है, रिप्लेस करने वाले कौन से कोड हैं, ये कैसे समझेंगे जब हम आपको एक एक कोड के बारे में आपको बताएंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ये हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप ये समझिए कि नॉन मॉडल कोड कौन से हैं, मॉडल कोड कौन से हैं, ठीक है, जी कोड कौन से हैं और एम कोड कौन से हैं। एम कोड की लिस्ट हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से एम कोड हैं। फिलहाल जो है हम सबसे पहले समझेंगे जी कोड और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम इम्पॉर्टेंट जी कोड्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जी कोड हैं जिनको हमें पूरी तरीके से समझना ज़रूरी है और इसके बिना हम जो है प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो पेज नंबर 18 से ऑनवर्ड हम जो है इस VMC NHMC प्रोग्रामिंग बुक के आगे हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है आप देख लीजिए स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरी लिस्ट है। अब हमें इसका मतलब समझना है कि कौन सा कोड जो है किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो है हम ग्रुप 01, ये जो ग्रुप है 01 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है हमारी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग डिपेंड करेगी।
एक एक कोड का मतलब समझेंगे कि इससे होता क्या है एक्चुअल में। अब चूंकि मैं आपको जो है एक टूल दिखा देता हूं, ये आपका टूल हो गया, ठीक है। अब इस टूल के मूवमेंट के हिसाब से जो है हमें कटिंग करनी है। अगर हम कटिंग करते हैं मशीन के अंदर, तो हमें जो है उसके मोशन को समझना होगा कि हमारा जो टूल है उसका मोशन यानी मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो कोड है G00, ये जो कोड है ये एक्चुअल में कटिंग के लिए यूज नहीं होता है, ये कोड यूज होता है हमारा कि हम इसको टूल को जो है अपनी होम पोजीशन से जो है हम उस वर्कपीस के पास लेकर आ जाएं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा ये टूल है और मशीन के अंदर जो है अपनी होम पोजीशन पर रुका हुआ है और हमारा जो वर्कपीस है इस पोजीशन पे है, तो अब हमें इसको वर्कपीस के पास लेके आना है। तो जितनी तेजी से जो है हम इस टूल को अपने वर्कपीस के पास लेकर आएंगे तो हमारा जो साइकिल टाइम है वो बच जाएगा। तो इसलिए जो है इस कोड का मतलब होता है रैपिड पोजिशनिंग, रैपिड पोजिशनिंग बोलते हैं या फिर रैपिड ट्रैवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो टूल का मूवमेंट है वो मैक्सिमम फीड के साथ में जो है होता है। अब ये टूल जो है मैक्सिमम फीड के साथ जो है वर्कपीस के पास आएगा, तो जहां पर भी हमें इसको लेके आना है उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हमको यहां पर लगाने हैं। तो मैं यहां पर आपको जो है स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये दिया हुआ है G00 रैपिड पोजीशनिंग। रैपिड पोजीशनिंग जहां पर भी हमको करनी है, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले ये कोड लगाएंगे, उसके बाद जो है हम वर्कपीस का जो कोऑर्डिनेट है, जिस कोऑर्डिनेट पर हमको जो है ले जाना है उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे देंगे। तो X5 Y 12, ये जो पोजीशन है इस पॉइंट की आप देख लीजिए, ये जो है हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पर हमें अपने टूल को ले जाना है। और ये पोजीशन हमेशा याद रखिएगा वो कोऑर्डिनेट होगा जो हम जो है टूल की कटिंग ना हो, यानी वर्कपीस से टूल का कॉन्टैक्ट ना हो, टूल हमारा हवा में होना चाहिए। तो हवा में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमको यहाँ पर लिखने होंगे। ये हवा वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये आप कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताऊंगा। जब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊंगा वहां से आपको जो है वैल्यू निकालना आ पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, आपको जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से जो है आपको लिखना है G0 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोड है वो है हमारा G01, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन फीड, मतलब एक सीधी लाइन में अगर हमें कटिंग करनी है तो फीड हम जो है देंगे वो हमारा G01 में देंगे, ठीक है। अब G01 का मतलब समझिए, ये हमारा वर्कपीस है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है समझा देता हूँ, ये हमारा टूल है। अब हमें जो है स्ट्रेट लाइन में जो है इसके साइड से जो है कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, एक सीधी लाइन में जो है हम इसमें कटिंग कर रहे हैं, तो हमें जो है G01 यूज करना है। कैसे, मैं आपको जो है एक एग्जांपल दिखा देता हूं इसका। अब G01 में क्या होगा मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पर देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे अगर हमें जाना है तो G01 में जो है हम यहां पर कटिंग करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कटिंग हो गई। जब भी हमारे टूल का मूवमेंट स्ट्रेट होगा, एक यानी कि सीधी रेखा में होगा, वो हमारा जो है G01 के साथ में हम उसको यूज करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि अगर हम इसके डायगनली यानी इस कोने से इस कोने के बीच में अगर हम डायगनली कटिंग करते हैं और एक सीधी लाइन में कटिंग करते हैं तो भी हम जो है यहाँ पर G01 कोड यूज़ करेंगे, ये ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। G01 का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारा टूल का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, चाहे वो डायगनली हो, अप एंड डाउन हो, वो जो है मूवमेंट होगा हमारा वो G01 में कहलाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन फीड, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, ये दिया हुआ है G01 के साथ में स्ट्रेट लाइन फीड, ये हमारा कहलाता है स्ट्रेट लाइन कटिंग, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन कहीं पर भी लिखा होगा तो लीनियर इंटरपोलेशन भी G01 है, स्ट्रेट लाइन फीड भी G01 है। तो जहां पर भी आपको लीनियर इंटरपोलेशन मिले तब भी आप जो है उसको G01 कोड ही समझेंगे, ओके। अब नेक्स्ट जो कोड है वो है G02। G02 का मतलब देखिए, यहाँ पर लिखा है सर्कुलर क्लॉकवाइज फीड, कहीं पर लिखा होगा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। इंटरपोलेशन का भी मतलब वही होता है,
क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में जो सर्कुलर इंटरपोलेशन हम करेंगे, जो मूवमेंट होगा हमारा सर्कुलर, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है ये सर्कल बना हुआ है, अगर हमें सर्कल के अराउंड कटिंग करनी है यहाँ से ले जाकर ये एस टाइप से जो है हम यहाँ पर कटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन हो गया, इसको बोलेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन। लेकिन घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी मूव करती है, उसकी सुइयाँ मूव करती है, वो डायरेक्शन जो होगी हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉक वाइज कहलाएगी, ठीक है। ये G02 कोड से है डिफाइन। दूसरा G03 कोड है, ये है सर्कुलर एंटी क्लॉक वाइज फीड। सर्कुलर एंटी क्लॉक वाइज फीड का मतलब है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट, तो वो हमारा G03 कोड से डिफाइन होगा, ठीक है। तो G02 हो गया क्लॉकवाइज, G03 हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं आपको जो है एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम चलते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ तो हमारा G02 कोड लगेगा, और अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो है हमें G03 लगाना होगा। हालाँकि हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं इस एग्जाम्पल में, इसलिए जो है हमने G02 लगाया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ ना ले जा करके कटिंग, यहाँ से इधर की तरफ चलते तो हमें जो है यहाँ पर G01 लगाते, यहाँ पर G03 लगाते, फिर G01, फिर G01, और ये एरो की जो डायरेक्शन यहाँ पर दी हुई है ये अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और पूछनी होगी आपको, जैसे कि फीड G01, G02, G03, इसमें हम फीड रेट जो है अलग से लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमें फीड देना होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, ये G01 X5 Y12 और फीड दिया है ये 200। इसका मतलब ये है कि हमको जो है 200 के फीड रेट से अपने टूल का मूवमेंट करना है, ठीक है। हालांकि फीड RPM इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग से क्लियर करते चलता हूँ ताकि आपके सामने जब भी आए कोई चीज़ तो वो आपको क्लियर होती चले, ठीक है। कि इस तरीके से जो है हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर हमें जो है ये कोड यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये चार कोड हो गए ग्रुप वन के, ये हो गए हमारे मॉडल कोड्स। उसके बाद आता है हमारा नॉन मॉडल कोड्स में, ये जो कोड हमारे दिए हैं G04, G05, G07, G07.1, 8, 9, 10, 11, ये हमारे नॉन मॉडल कोड्स हैं। अब नॉन मॉडल कोड को जो है एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो कोड है ड्यूल, ड्यूल का मतलब होता है एक छोटे अंतराल के लिए अगर हमें टूल को रोकना है, छोटे से इंटरवल के लिए अगर हमें टूल का मूवमेंट रोकना है और टूल अपनी एक्सिस पर रोटेट करता रहे। अब समझिए इसका मतलब क्या है, कि ये टूल है, टूल को हमने फीड दी, ठीक है, ये फीड तो यहाँ पर रुक जाएगी और ये टूल जो है रोटेट होता है। अब जब हम ड्रिल करते हैं, जब हम ड्रिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने टूल को जो है ड्रिल प्लंज करते करते नीचे ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं जब तक कि ड्रिल हो ना जाए। तो हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सिस का मूवमेंट है, टूल का जो है जेड एक्सिस में मूवमेंट है वो रुक जाए, मतलब फीड ना जाए उसमें, और टूल अपनी जगह पर रोटेट होता रहे। ये ड्रिल करते वक्त हमें अक्सर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसलिए देते हैं ताकि जो है नीचे जब ड्रिल हम जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ का जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाए अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई चिप या बर या छोटा सा मटेरियल जो है वहाँ पर ना रुके, उसकी क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाए और फिर जो है हम उसको उठा लें। तो वो जो कुछ सेकंड के लिए हम रोकते हैं टूल को, वो हमारा ड्वेल टाइम कहलाता है। अब टूल जो है रोटेट होता हुआ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जाएगा और एक सेकेंड हमें रुकना है कि भाई एक सेकेंड यहाँ रुक जाए और ये घूमता रहे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको उठा लें ऊपर। तो ये जो टाइम है, जिस टाइम के लिए हमारा जो टूल है रुकेगा और वहाँ पर रोटेट होता रहेगा, वो हमारा ड्वेल टाइम कहलाएगा। अब मैं ड्वेल टाइम का एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ताकि जो है आप ये समझें। यहाँ पे दिया हुआ है G04 प्रोग्राम ड्वेल, ए प्रोग्राम ड्वेल टाइम कैन बी क्रिएटेड एट एनी पॉइंट विद इन ए प्रोग्राम, दिस इज़ ए नॉन मॉडल कोड विच कैन ओनली बी प्रोग्राम ऑन इट्स ऑन लाइन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। द ड्वेल टाइम इज प्रोग्राम इन मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड में अगर हमें टाइम को लिखना है तो हम यहाँ पर जो है P, ये जो P वर्ड है, P शब्द, इसका यूज़ करना है, ठीक है।
और टू ए मैक्सिमम ऑफ 99999, मतलब इतने मिली सेकेंड्स के लिए, यानी कि 99 सेकेंड्स के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं, इतने सेकेंड्स के लिए आप जो है ड्वेल दे सकते हैं। मतलब आप समझ लो 99 सेकेंड बहुत होते हैं, एक मिनट से ज़्यादा जो है, डेढ़ मिनट से ज़्यादा के टाइम जो है आप उसको टूल को अपनी एक्सिस पर रोटेट करा सकते हैं वहीं पर जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी आप जो है ड्वेल जो प्रोग्राम कोड है उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सम साइकिल्स हैव देयर ऑन ड्वेल फैसिलिटीज विद इन द साइकिल इट्सेल्फ, कुछ कैनेड साइकिल हैं जिनके अंदर ये ड्वेल की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, यानी कि G04 जो कोड है उसका यूज़ ना करके आप डायरेक्ट जो है कुछ साइकिल्स के अंदर जो है ऐसी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप जो है G04 का यूज़ कर सकते हैं। G04 जो है कुछ सेकेंड्स के लिए आपके टूल को वहाँ पर रोक देगा और आपकी कटिंग कर देगा। अब ये जो प्रोग्राम का कोड है एक्चुअल में बनाया गया है मशीनिस्ट के लिए, जो मैनुअल प्रोग्राम करते हैं, जो मैनुअल मशीन चलाते हैं ड्रिलिंग की, उनमें क्या है वो टूल को जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसकी एक टेक्निक है, उसमें क्या है टूल को जो है जब ड्रिल तो रोटेट होती रहती है तो वो ड्रिल को जो है वहाँ से अपने मैनुअली प्रेशर से अपने नीचे प्रेस करते रहते हैं, और जब नीचे ले जाते हैं डीप पॉइंट पर वहाँ पर जो है अपने टूल को थोड़ी देर तक के लिए होल्ड कर देते हैं। तो जो होल्ड करते हैं जिस टाइम के लिए टूल को, वही हमारा ड्वेल टाइम कहलाता है, ठीक है। तो अब मशीन के अंदर कैसे करना है, मशीन के अंदर हमें जो है प्रोग्राम के थ्रू करना है, तो प्रोग्राम में हम जो है ये कोड यूज़ करते हैं तो वो हमारा ड्वेल टाइम का कोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा G04 कोड, ठीक है। उसके बाद G05 है हाई स्पीड साइकिल मशीनिंग, ये हाई स्पीड के लिए है, हालांकि हमें इसको जो है यूज़ नहीं करना है। G07 भी हमको जो है नहीं यूज़ करना है अभी, क्योंकि ये हमारे जो है कहाँ यूज़ होंगे, जब हम मैक्रो यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम जो है मैक्रो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो कोड हमें यूज़ कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। G10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, प्रोग्रामेबल डेटा इनपुट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल डेटा इनपुट सेटिंग। ये जो कोड है इसका यूज़ भी हम जो है मल्टीपल वर्क पीस पे जो है ऑफसेट लेने के लिए करते हैं, तो ये इसको समझने के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर लगेगा और वो हम आपको आगे समझाएंगे, ये मैक्रो में भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए G11 प्रोग्रामेबल डेटा इनपुट कैंसिल, ये कैंसिलिंग कमांड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस करते हैं कोड को और या फिर हम जो है कैंसिल करते हैं। तो अगर हमने G10 लगाया तो इसको जो है या तो रिप्लेस करो या फिर जो है इसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करने के लिए जो है हम G11 यूज़ करते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई कोड लगाएं तो है उसको लास्ट में जब आप प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर या तो कैंसिल करना होता है या फिर जो है आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोड है G15, ये कोड इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसिल। पोलर कोऑर्डिनेट अगर हमने लगाया तो अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझिए, जब हम स्ट्रेट लाइन में कटिंग करते हैं तो हम जो है G01 यूज़ करते हैं, सर्कुलर कटिंग करते हैं तो G02 यूज़ करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में G03 यूज़ करते हैं। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ एंगल पे कटिंग करते हैं, यानी कि कितने डिग्री एंगल पे हमको जो है ड्रिल करना है, पॉइंट टू पॉइंट जिसको कटिंग बोलते हैं, वहाँ पर हमें जो है एक एंगल डिसाइड करना होता है कि कितने डिग्री एंगल पे हमको जो है वहाँ पर ड्रिल करनी है, टैपिंग करनी है, या फिर जो है आपको एक स्लॉट काटना है, ठीक है। तो वो एंगल की कटिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कमांड होती है वो होती है G16, आप नोट कर लीजिएगा, ये देखिए G16 यहाँ पर दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट कमांड, यानी कि अगर आपको एंगल में कोई चीज़ कटिंग करनी है तो वहाँ पर आपको जो है G16 कोड का यूज़ करना है। इनको कैसे यूज़ करना है इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। अब G17, 18, 19, ये ग्रुप नंबर 02 है, और ग्रुप नंबर 02 होता है एक्चुअल में एक्सिस को लेकर कि भाई कौन से प्लेन पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपको जो है G17, G18 और G19 जो कोड है उनको समझने के लिए आपको जो है मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। ये आपका एक्स प्लेन है, ये वाई और ये जेड, ये तीन एक्सिस हैं, ठीक है। अब इन तीनों एक्सिस से मिलकर एक जो प्लेन बनता है, तो ये एक्स और वाई इन दोनों के
साथ जो मिलने से ये प्लेन बन रहा है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। यानी कि आपका वर्क पीस अगर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा, यानी कि आपको जो कटिंग होगी वो G17 कोड के साथ में होगी। जनरली जो है हम कटिंग करते हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग से 3 एक्सिस में, वो G17 कोड से ही करते हैं। तो एक्स यहाँ पर होता है, वाई यहाँ पर होता है और जेड ऊपर की तरफ होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि जो हमारा वर्क पीस है ये रखा हुआ है अगर इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो कटिंग जेड ऊपर होगा अगर, तो ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। अगर हम जो है एक्स यहाँ लेते हैं, जेड यहाँ लेते हैं, ये देखिए ये एक्स है हमारा, ये जेड है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा G18, क्योंकि वाई जो है हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अगर हमारा वर्क पीस इस टाइप से रखा है और टूल हमारा इधर से आ रहा है, ये कहाँ यूज़ करेंगे, ये G18 और G19 का जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं HMC मशीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब हम VMC यानी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में काम करेंगे तो हम G17 कोड यूज़ करेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर मशीन में काम करेंगे तो हमारा जो है या तो G18 यूज़ होगा या फिर G19 यूज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम HMC पे काम करेंगे तो G18 और G19 का यूज़ करेंगे, और अगर हम VMC में काम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्रामिंग होगी G17 प्लेन के साथ होगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब G17 लगाया आपने, ठीक है, G02 XYIJ, ठीक है, ये जो है आपकी प्रोग्रामिंग होगी आपकी G17 कोड के साथ। G18 के साथ में अगर आप करेंगे तो आपका जो है इस टाइप का जो है ये वर्क पीस लगेगा, इसके ऊपर जो है अप डाउन मूवमेंट होगा, ये हमारा G18 कोड के साथ करना है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है G19 में देखिए यहाँ पर जो है मूवमेंट होगा हमारा, तो ये हमारा जो होगा आपका G19 कोड के साथ। ठीक है, अब कैसे करना है इसके लिए जो है आप इसमें आर्टिफिशियल अटैचमेंट भी कराते हैं मशीन के अंदर, जो है हम 4 एक्सिस और 5 एक्सिस का मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, पैलेट को जो है हम अलग तरीके से फिक्चर लगाते हैं, तो वहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसका मूवमेंट चेंज करा देते हैं। तो ये कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा G18 तक, G17, 18 और 19, यानी ग्रुप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप 6। ये जो ग्रुप 6 है ये कहलाता है हमारा इनपुट इन इंच और इनपुट इन MM, जिसको बोलते हैं कि डायमेंशंस जो हम कैलकुलेट करेंगे मशीन के अंदर वो कौन सा स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो हम इम्पीरियल डायमेंशंस यूज़ करते हैं या फिर हम जो है मीट्रिक डायमेंशन यूज़ करते हैं। इम्पीरियल डायमेंशंस हम यूज़ करते हैं जैसे US की कंट्रीज़ है, या फिर ब्रिटेन जो है वहाँ पर काम होता है इम्पीरियल डायमेंशंस में, या फिर सऊदी दुबई में अगर हम काम करते हैं, तो जहाँ पर भी इंचज में काम होता है वो हमारा इम्पीरियल डायमेंशंस यानी कि G20 कोड यूज़ करना है। ठीक है, और जहाँ पर G21 यानी कि यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें जो है MM में, या फिर हम जो है इंडिया के अंदर जितनी भी वर्कपीस बनाते हैं मीट्रिक जो वैल्यूज़ होती हैं माइक्रोन्स में अगर हम काम करते हैं, तो वो हमारा G21 कोड यूज़ करते हैं। तो अपने को जो है ज़्यादातर काम करना है G21 में। ठीक है, क्योंकि बाहर का काम जब आएगा तो वहाँ पर G20 कोड हमें लगाना है। अगर कोई भी डायमेंशन हमको जो है इंच में देनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें इंच में देनी है, तो वहाँ पर हम G20 यूज़ करेंगे, और MM में देनी है या माइक्रोन्स में देनी है तो हम जो है G21 कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ग्रुप 6 भी आपका क्लियर हो गया। अब ये आता है, ये आ गया 00 कोड। ठीक है, ये आपका जो है नॉन मॉडल कोड्स है G27, 28, 29, G30। G27 है रेफरेंस पोजिशन रिटर्न चेक, अगर आपको जो है टूल है उसको वापस रेफरेंस पोजीशन पर भेजना है तो आप जो है G27 कोड यूज़ कर सकते हैं, G28 यूज़ कर सकते हैं, G29 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनको जो है वापस जब आपका प्रोग्राम एंड होगा, ख़त्म हो गया भाई इसका काम हो गया, इसने मशीनिंग कर ली, अब जो है हम इसको वापस होम पोजीशन पर भेजना है, या फिर हमें जो है कोई दूसरी पोजीशन सेट करनी है कि भाई नियरेस्ट पोजीशन पर पहुँच जाए, हम जो है कुछ सेटिंग कर लें, उसके बाद फिर दोबारा से वापस बुलाना है, तो इसलिए जो है हम ये कोड यूज़ करते हैं 27, 28, 29 और 30। ठीक है, ये अलग अलग पोजीशन सेट कर देते हैं ताकि हम जो है अपने टूल को दूसरी पोजीशन पर ले जाना है, तो ये हमारे रेफरेंस रिटर्न रेफरेंस जो कमांड्स होती हैं। ओके,
तो देखो ये तो जो कोड मैंने आपको बता दिया G30 तक, ये कोड हो गए आपके बेसिक कोड्स, ठीक है। अब G07 जो ग्रुप है जिसमें 40, 41, 42, ये हमारा जो है कटर कंपनसेशन लेफ्ट राइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए जो है मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज मैं एक नया कोड लेकर आया हूँ जिसको हम ड्वेल स्टॉप कहते हैं, यानी G04 कमांड। देखिए G04 कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड का यूज हम ड्रिलिंग ऑपरेशन में करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन में करते हैं और कुछ ऐसे ऑपरेशंस में करते हैं जहां पर हमें टूल को रोटेट करते रखना पड़ता है, बट जो एक्सिस का जो मूवमेंट है वहां को उसको होल्ड करना होता है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूं कैसे होता है। देखिए फार्नक ड्वेल के नाम से जाना जाता है G04 कमांड, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये CNC और BMC दोनों ही टाइप के ऑपरेशंस में किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर एक होल जो है ड्रिल करना है और एंड पोर्शन पर जो है आपको टूल को रोटेट करते रखना है 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए, ताकि नीचे की जो फिनिशिंग है वो बेटर आए और नीचे का जो चिप वगैरह है या बर है वो रिमूव हो जाए, तो क्या करना होगा आपको ड्वेल स्टॉप यानी G04 कमांड यूज करनी पड़ेगी। और G04 कमांड का जो सिंटेक्स है यानी फॉर्मेट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। G04 के साथ आप यूज कर सकते हैं U और जितने सेकंड्स के लिए आपको अपने टूल को होल्ड करना है, फॉर एग्जांपल के लिए 3 सेकंड के लिए यूज करना है तो G04 U3 आप लिख दीजिए, तो आपका जो टूल है रोटेट करता रहेगा बट यहां से इस पोजीशन पर ही रोटेट करता रहेगा, होल्ड हो जाएगा थोड़ी देर के लिए और रोटेट करता रहेगा। यानी ड्रिलिंग जब हम करते हैं तो डाउन होता है, उसके बाद 3 सेकंड के लिए ये इस पोजीशन पर होल्ड होता रहेगा और रोटेट करता रहेगा, तो ये G04 U3। इसके 3 तरह के फॉर्मेट हम यूज करते हैं। कुछ फार्मिक मशीन्स में जो नए मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, उनमें अलग अलग तरीके से G04 कोड का यूज किया जा सकता है। तो 3 तरह से इसका यूज होता है, G04 U और टाइम, कितने टाइम के लिए, उसके बाद है G04 X और टाइम, अगर X भी लिखा है तो भी हम टाइम जो है वो सेकेंड्स में नहीं है, ठीक है, यानी जो टाइम इंटरवल है वो सेकेंड में अगर हमें देना है तो U और X का यूज कर सकते हैं, G04 X और G04 U और टाइम, ठीक है। अगर हमें सेकेंड्स नहीं देने हैं, मिली सेकेंड्स में रोकना है बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, तो हम G04 P और मिली सेकेंड्स में, यानी 1 सेकेंड में होते हैं 1000 मिलीसेकंड्स, तो अगर आप जितने भी मिलीसेकंड्स यूज करते हैं जैसे कि 3000 मिलीसेकंड्स यूज कर रहे हैं तो 3 सेकंड के लिए ये टूल आपका होल्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि G04 कोड का यूज हम कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क ऑफसेट और टूल ऑफसेट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि ऑफसेट हम एक्चुअल में देते ही क्यों हैं। आप समझिए कि एक मशीन के अंदर आपने एक वर्क पीस को लगाया है और उस मशीन के ऊपर आपको काम करना है, तो आपको वो चीज़ पता है कि वो वर्कपीस आपने कहाँ पर लगाया है। लेकिन जब आप मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा मशीन को कि आपने मशीन के ऊपर, बेड के ऊपर उस वर्कपीस को कहाँ पर लगाया है। तो ये जो उसकी पोजीशन है उसको बताने के लिए हम उसमें ऑफसेट वैल्यू डालते हैं, यानी कि आप समझिए कि एक टूल है, उस टूल को कहाँ पर लाना है वर्कपीस के सरफेस पर ताकि हमारी मशीनिंग हो सके, इसलिए हमें उस टूल की जो टिप है उसको ये बताना होगा कि हमारा वर्कपीस कहाँ पर रखा है। ये जो बताने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कि भाई ऑफसेट। ऑफसेट मतलब कि वर्कपीस के सरफेस से हमने जो है कितनी दूरी पर वो सेट किया हुआ है, ठीक है। अब सेट क्या किया है ये चीज़ समझ लेते हैं कि
अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे कि भाई टूल ऑफसेट क्या है, तो टूल की जो टिप है वो वर्कपीस के सरफेस पे कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब कितनी दूरी पर है कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपको समझना होगा कि जब हमारा मशीन है वो अपनी होम पोजीशन पर है, यानी कि एक अपनी स्टेबल कंडीशन में है, जहां पर टूल जो है अपनी होम पोजीशन पर सेट है, उस होम पोजीशन से वर्कपीस कितनी दूरी पर है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने टूल को जो है वर्कपीस के सरफेस पे लाना होता है। और वर्कपीस के सरफेस पे जब हम टच कराते हैं, तो जब हम टूल टिप को वर्कपीस के सरफेस पे टच करा देते हैं, वहां पर जो है हम जेड की वैल्यू जीरो रखते हैं। जेड की वैल्यू जीरो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो वर्टिकल एक्सेस होती है वो हमारी जेड डायरेक्शन में होती है, और वहां पर जेड की वैल्यू जीरो का मतलब है कि भाई अब इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारा जो वर्कपीस है उसके ऊपर मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हम जेड जीरो पर उसको टच करा देते हैं, तो वहां पर हम जो है मशीन के अंदर जाके मेजर बटन दबा देते हैं। मेजर बटन दबाने से मशीन को क्या पता चलता है, ये चीज समझिए। मशीन अपनी होम पोजीशन से वर्कपीस के टॉप सरफेस से कितनी दूरी पर आ चुकी है, ये देख लीजिए। टूल ऑफसेट की एक डेफिनेशन यहां पर दी हुई है, इसको समझ लीजिए। द वर्ड ऑफसेट रेफर्स टू द अलाउंस मेड बाय द सीएनसी मशीन फॉर द डायमीटर एंड लेंथ। डायमीटर और लेंथ दोनों ही डायरेक्शंस में टूल के सेंटर से जितनी डिस्टेंस होती है वो हमें इसमें डालनी होती है। अब देखिए क्या है, प्रोग्रामिंग ऑन ए सीएनसी मशीन इज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कटर। सेंटर पॉइंट किसका लेना है ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम टूल यूज करेंगे उसका सेंटर पॉइंट जो है वहीं से सारे के सारे जो रेफरेंस हैं वो लिए जाएंगे। ठीक है, रेफरेंस का मतलब है कि भाई जो पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम जो है वर्कपीस पे कहाँ टच करा रहे हैं, वो उस सेंटर पॉइंट से ही मेजर होंगे। ठीक है, वीएमसी एनएचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 30 पर आप जो है ये ओपन करके देख लीजिए। यहां पर दिया हुआ है कंपोनेंट फिक्सचर ऑफसेट वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोग्रामिंग G54 से लेकर G59 कोड तक। अब यहां पर करना क्या है, अब ये देखिए, ये जो है आपकी मशीन की रेफरेंस पोजीशन है। ठीक है, यहां से आपको यहां पर ऑफसेट लेना है, तो ये देखना है कि आपकी जो रेफरेंस पोजीशन है इससे वर्कपीस की जो रेफरेंस पोजीशन है उसकी क्या डिस्टेंस रहेगी, तो वो आप कहां पर रखेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी एक्स कहलाएगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वाई कहलाएगी। तो G54 एक्स इधर हो गया, वाई इधर हो गया, तो ये हमारा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। इसमें हम एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखते हैं, ये ऑटोमेटिकली मेजर कर लेती है। इसका मेथड मैंने आपको वर्क ऑफसेट वाला जो एक वीडियो है उसको देखिएगा, उसको समझिएगा कि हम जो है एग्जैक्टली करते क्या है। ये जो केस है ये केस हमारा कॉर्नर ऑफसेट के केस में आएगा। ठीक है, अब मेथड इसके कई सारे हैं ऑफसेट लेने के, कि भाई हमको एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट करना है। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो। अब ये जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब कि जहां से हम अपने जो डायमेंशंस हैं, जो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वर्कपीस के ऊपर हमारे टूल का जो मूवमेंट होगा वो जो है स्टार्ट पॉइंट कहलाएगा। स्टार्ट पॉइंट को आप जीरो रखते हैं, यानी कि जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां को अपनी पोजिशन एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो रखेंगे। अब एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो रखने के लिए आपको जो है ये मेजर करना पड़ता है। कैसे मेजर करते हैं इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये जो है हमारा टूल ऑफसेट कहलाएगा G54 जेड डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो टूल होल्डर मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में G43 वाले में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये गेज लाइन होती है। गेज लाइन वो लाइन होती है जहां से आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस कैलकुलेट होती हैं। तो ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, इसको गेज लाइन बोलते हैं। और ये वर्कपीस का जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस, ये भी हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से इस रेफरेंस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, जब आप टूल टिप को यहां पर टच करा देंगे, तो
आप जब मेजर बटन दबाएंगे तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उस G54, G55, G56 वाला जो कॉलम है वहां पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा और क्या क्या आपको स्क्रीन पर रखना होगा वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये वाली जो आपकी स्क्रीन आएगी मशीन के ऊपर, आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी। ठीक है, OIMF कंट्रोल में आपको ये चीज दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये फानुक सीरीज OIMF यानी कि लेटेस्ट कंट्रोलर है फानुक का। इसमें आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा G54 है, 01 02 03, ये लिखा हुआ है G54, G55, G56। ऐसे ही और जब आप स्क्रॉल करके नीचे स्क्रीन पर जाएंगे तो 57, 58, 59, ये जो है आपको ऑफसेट की वैल्यूज दी होंगी। यहां पर क्या दिया है, X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू। ठीक है, जब आप X पे ये कर्सर जो है, जहां पर कर्सर ले जाएंगे ये येलो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप Z पे लेके गए और यहां पर आपने एक मेजर बटन है, ये देखिए ये मेजर बटन है, इस मेजर बटन को आपने जब प्रेस करेंगे तो उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो यहां पर आ जाएंगे, यानी कि मशीन वो रिकॉर्ड कर लेगी कि भाई ये जो है जेड पोजीशन अपनी रेफरेंस पोजीशन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, वो यहां पर इसमें मेजर हो जाएगी, यहां पर आ गई। उसी तरह से जब आप वाई में ले जाएंगे तो वाई पोजीशन के जो मेजर करेंगे जब आप, तो वो वाई के कोऑर्डिनेट मेजर कर लेगी, एक्स के करेंगे तो एक्स की पोजीशन मेजर कर लेगी। तो जब ये मेजर कर लेगी, ठीक है, मेजर जब आपने कर दिया तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट जनरेट हो गया, वही हमारा ऑफसेट पॉइंट कहलाता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, ये देखिए, ये मशीन का रेफरेंस पॉइंट है, ये आपके वर्कपीस का रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, जिसको डेटम पॉइंट भी बोलते हैं। डेटम पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां से सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट होती है, वो आपका डेटम पॉइंट भी कहलाता है। डेटम लाइन आपने सुना होगा, जब आपने इंजीनियरिंग की होगी तो आपको बताया जाता है कि भाई ये आपकी डेटम लाइन है, यहां से आप जो है कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं। तो ये मशीन का रेफरेंस पॉइंट हो गया, मशीन जहां पर खड़ी होती है अपने टूल को लेकर, G28 कोड जब आप लगाते हैं या G30 कोड लगाते हैं तब अपने रेफरेंस पोजीशन यानी होम पोजीशन पर चली जाती है। तो उस पॉइंट को स्टैंडर्ड पॉइंट, वो पॉइंट होता है, वहां से आपके जो वर्कपीस का जो पॉइंट है, जो आपने सेट किया है कि भाई मुझे जो है वर्कपीस का Z0 यहां पर सेट करना है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। यही जो सेटिंग होती है, इस सेटिंग को आप जो है प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। मैं आपको जो है, जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी तो आप वहां पर ये सारे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपना जो रेफरेंस पॉइंट है उस पॉइंट से वर्कपीस के रेफरेंस पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में, ठीक है, वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी। ये जो है G54, 55, 56 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हुए हैं वहां पर रिकॉर्ड होगी। तो हमेशा जो है 01 में हम करते हैं या फिर हम 00 वाले कॉलम में करते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, देखिए G54 के नीचे जो 00 दिया है, जब आप सिंगल टूल यूज करते हैं तो आप यहां पर यूज करते हैं, सिंगल टूल सिंगल वर्कपीस लगाते हैं तो ये यहां पर यूज करते हैं। अगर आप मल्टीपल टूल मल्टीपल वर्कपीस लगाते हैं तो आप जो है 01, 02, 03, 04 ऐसे करके G54, G55, G56, G57 ऐसे ये जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, बेड के ऊपर आप जो है 5-6 वर्कपीस लगा देते हैं और उनका अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेकर ऑफसेट बनाते हैं, तो उनकी वैल्यू आप यहां पर सेट करते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको प्रोग्रामिंग समझाऊँ तो आपको ये सही तरीके से समझ में आए। इन शॉर्ट, अगर मैं कंक्लूड करके इस वीडियो में आपको समझाऊँ तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई वर्क ऑफसेट क्या है। एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हैं VMC के अंदर, उन कोऑर्डिनेट की रेफरेंस वैल्यू जो है हम वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, टूल ऑफसेट क्या है, टूल हमारा वर्कपीस के सरफेस से कितनी दूरी पर है। वर्क ऑफसेट क्या है, वर्कपीस की एक्स और वाई प्लेन के अकॉर्डिंग हमारा वर्कपीस कहां पर रखा हुआ है, वो हमारा वर्क ऑफसेट कहलाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका प्रैक्टिकल जो सेशन रहेगा वो आप हमारे सेंटर पे आके लेंगे, वहां पे अटेंड करेंगे, जो भी डाउट है वो आपके वहां पर क्लियर किए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और
ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे सीएनसी कैड कैम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी डाउट है बुक से रिलेटेड वो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वीएमसी मशीन पे ऑफसेट कैसे लेते हैं। यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि वर्क ऑफसेट कैसे लेते हैं और वर्क ऑफसेट लेने के जो तीन मेथड हैं, कॉर्नर ऑफसेट, सेंटर ऑफसेट और होल से जो ऑफसेट लिया जाता है, उनमें से मैं एक ऑफसेट लेने का मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के इस वीडियो में। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सेंटर ऑफसेट कैसे लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये ऑफसेट लेने का और इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप। आपको जो चीज करनी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी और एक भी स्टेप मिस मत करना, एंड तक देखना। कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको ऑफसेट लेते वक्त आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीएमसी मशीन पे ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले हमें एमडीआई मोड सेलेक्ट करना होगा। एमडीआई मोड यानी कि मैनुअल डेटा इनपुट मोड। इस मोड में हम अपनी मशीन के स्पिंडल को रोटेट करेंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि ऑफसेट लेते वक्त हम स्पिंडल को ऑन क्यों करते हैं। देखिए, स्पिंडल को ऑन करने का एक रीजन यहां पर यह भी है कि अगर हम बिना स्पिंडल को रोटेट किए या टूल को रोटेट किए वर्कपीस के एज पर टच कराएंगे, तो इन केस गलती से हमने अगर फीड ज्यादा दे दी तो हमारा टूल जो है वो वर्कपीस के साथ टकरा सकता है और टूट सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने टूल को रोटेट करा देते हैं, जिससे क्या होता है अगर गलती से हमने फीड ज्यादा दे दी तो टूल जो है वर्कपीस के साथ टकराएगा, तो जो वर्कपीस का मटेरियल है वो कट जाएगा लेकिन जो टूल है वो टूटेगा नहीं। इसलिए जो है हम अपने टूल को रोटेट करा देते हैं। तो टूल को रोटेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड देंगे। वो कमांड होगी M03S2000। इस कमांड से हम अपने स्पिंडल को 2000 RPM की स्पीड से रोटेट करा देंगे। जब हमारा स्पिंडल 2000 RPM की स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तब हम हैंडल मोड सेलेक्ट करके अपने टूल को वर्कपीस की एक्स एक्सिस वाली साइड पर ले जाएंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा टूल जो है एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे हम इसको टच करा देंगे। जैसे ही हमारा वर्कपीस जो है टूल के साथ टच कर जाएगा हम इस पोजीशन पर अपने टूल को होल्ड कर देंगे, मतलब कि यहीं पर खड़ा रखेंगे और अपने कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पर चलेंगे। तो कंट्रोल पैनल की स्क्रीन आप देख लीजिए यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस करना है, मतलब इस पोजीशन को रेफरेंस करना है, यानी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 करनी है ताकि हम इस वर्कपीस की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पोजीशन बटन को प्रेस करना होगा। जैसे ही हम पोजीशन बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो एब्सोल्यूट लिख के आएगा, जहां पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है लिखी हुई है। बट हमको क्या करना है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको रेफरेंस करना है। तो REL जहां पर लिखा हुआ है उस बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हम REL बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की पोजीशन आ जाएगी। यहां पर आप जो है ऑल एक्सिस पोजीशन भी देख सकते हो, मतलब रिलेटिव भी देख सकते हो और मशीन की भी देख सकते हो। और उसको देखने के लिए आपको ऑल वाला जो बटन है इसको प्रेस कर देंगे तो आपका जो है ऑल एक्सिस की पोजीशन आपको यहां पर दिख जाएगी, ठीक है। बट हमें अभी ऑफसेट लेना है तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड कॉर्नर पे OPRT लिखा हुआ है यानी कि ऑपरेटर पैनल लिखा हुआ है, उस बटन को प्रेस करेंगे। उस बटन को प्रेस करते ही हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें ओरिजिन लिखा होगा, प्रीसेट लिखा होगा, तो हमें क्या करना है, ओरिजिन बटन को प्रेस करना है। ओरिजिन मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, ये चारों एक्सिस जो है इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ओरिजिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो एक्स वाई जेड और ए है ये एडिट मोड में पहुंच जाएगा, और जैसे ही एडिट मोड में पहुंचेगा हम ऑल एक्सिस रीसेट जो AL-AX लिख के आ रहा है इस बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और a की वैल्यू, ये
ये 000 हो जाएगी, यानी कि हमारा जो रेफरेंस हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, वर्कपीस के एक्स एक्सिस की अपोजिट वाली जो साइड है वहां पर अपने टूल को ले जाना है। जैसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन में टूल को ले जाएंगे उठा के और वहां पर टच कराएंगे, दूसरी साइड पे टच कराएंगे, तो जैसे ही हमारा टूल टच करेगा तो हमारे सामने रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी वैल्यू शो करेगा। तो हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू देखनी है क्योंकि हमने अपने टूल का मूवमेंट एक्स एक्सिस में कराया है। तो एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं 101.0 ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा एक्स जो पहले टच कराया था और अब टच कराया है उसके बीच की डिस्टेंस जो है 101 mm है, और हमको यहाँ पर लेना है सेंटर ऑफसेट। तो सेंटर ऑफसेट लेने के लिए हम इसके सेंटर में अपने टूल को ले जाएंगे। तो सेंटर क्या होगा इसका, 101 / 2 = 50.5, ये हमारे वर्कपीस का सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने टूल को उठाएंगे वापस और सेंटर पे लेके जाएंगे। जैसे ही हमारा टूल 50.5 जो कोऑर्डिनेट है इस पर पहुँचेगा, अब हमको ऑफसेट की बाकी प्रक्रिया करनी है। तो इसके लिए आप मशीन के कंट्रोल पैनल पर चलिए, यहाँ पर आपको दबाना है ऑफसेट बटन। जैसे ही आप ऑफसेट बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी ऑफसेट ऑब्लिक लेंथ, जहाँ पर आपको ज्योमेट्री ऑफसेट और वियर ऑफसेट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है पैनल के नीचे आप देखिए वर्क लिखा हुआ है, वर्क वाले बटन को हमको प्रेस करना है। जैसे ही हम वर्क बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम खुल जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं G54, G54001, G55002, G56003, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ओपन हो जाएंगे। अब हमको G54001 में ऑफसेट लेना है, तो एक्स एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना जो एरो कीज हैं उनकी हेल्प से अपने कर्सर को एक्स एक्सिस पर लेके आएंगे। जैसे ही हमारा कर्सर जो है एक्स एक्सिस पर आ जाएगा तब हम यहाँ पर टाइप करेंगे X0.0। जैसे ही हम X0.0 टाइप करेंगे तो स्क्रीन के नीचे जो मेज़र बटन बन के आ जाएगा, ये मेज़र बटन हमको प्रेस करना है। जैसे ही हम मेज़र बटन प्रेस करेंगे तो X की वैल्यू जो है जहाँ पर लिखी हुई है वो चेंज नहीं होगी, बट जो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर दिया है वो हमारा X0.0 रीड कर लेगा, मतलब मशीन के हिसाब से ये चीज़ हमारे ऑफसेट पॉइंट में पहुँच गई। इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस का ऑफसेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वाई एक्सिस में ऑफसेट लेना है। तो यही प्रोसीजर हमको दोबारा से रिपीट करना है। इस प्रोसीजर को रिपीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने टूल को हैंडल मोड में सेलेक्ट करना है और वाई एक्सिस की तरफ लेके जाना है। वाई एक्सिस में हम पहले टच कराएंगे, जैसे ही हमारा टूल जो है वर्कपीस के साइड से टच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पोजीशन बटन को प्रेस करेंगे और वहां पर रेफरेंस करेंगे। रेफरेंस करने के लिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेस करेंगे, फिर ऑपरेटर पैनल में जाएंगे। ऑपरेटर पैनल में जाते ही हम ओरिजिन बटन को प्रेस करेंगे और ओरिजिन बटन को प्रेस करने के बाद हम ऑल एक्सिस रीसेट कर देंगे। इससे हमारी ऑल एक्सिस रीसेट हो जाएंगी, यानी कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें सिर्फ वाई एक्सिस में अपने टूल का मूवमेंट कराना है। तो वाई एक्सिस में अपने टूल को लेके जाएंगे दूसरी साइड और वहां पर टच कराएंगे, और वर्कपीस की जो लेंथ है वाई एक्सिस में वो मेजर कर लेंगे। यहाँ पर मेजर होके आ रही है 70 mm आ रही है, तो 70 mm का हाफ जो रहेगा वैल्यू उस पर हम अपने टूल को लेके जाएंगे। तो 70 का हाफ 35, तो 35 mm पे हम अपने टूल को लेके जाएंगे और वहाँ पर अपने टूल को खड़ा करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल पैनल पे चलेंगे। कंट्रोल पैनल पे हम लगाएंगे ऑफसेट बटन, प्रेस करेंगे। ऑफसेट बटन को प्रेस करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें हम वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेस करेंगे। वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेस करने के बाद हम G54001 में वाई एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर एरो की हेल्प से अपने कर्सर को लेके जाएंगे और फिर Y0.0 टाइप करेंगे और पैनल पे लगे हुए मेज़र बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम मेज़र बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो है Y एक्सिस का ऑफसेट है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा X और Y एक्सिस का ऑफसेट जो है हमने कर दिया। अब हम Z एक्सिस का ऑफसेट लेके बताएंगे आपको कि Z एक्सिस में ऑफसेट कैसे लिया जाता है।
तो जेड एक्सिस का ऑफसेट लेने के लिए आपको अपने टूल को वर्कपीस के टॉप सरफेस यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर टच कराना है। वहां पर जैसे ही आप टूल को टच कराएंगे तो अब आपको रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ऑफसेट बटन को प्रेस करना है। ऑफसेट बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद फिर वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको ओपन करेंगे वर्क बटन को प्रेस करके, फिर उसके बाद G54001 में जाएंगे, जेड की वैल्यू जहाँ पर लिखी हुई है वहाँ पर अपने कर्सर को लेके जाएंगे एरो की हेल्प से, और फिर वहाँ टाइप करेंगे Z0.0 और उसके बाद मेजर की को दबा देंगे। इस तरह से हमारा जो वर्क ऑफसेट है जेड एक्सिस में हो जाएगा। तो अब हमारी जो सेंटर पॉइंट है वर्क पीस की उस पर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0 मेजर हो चुकी है, यानी कि हमारा सेंटर ऑफसेट ओके हो गया है। अब जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे और उसमें G54 की वैल्यू देंगे तो हमारा जो ऑफसेट है वो यहाँ से ले लेगा। तो ये ऑफसेट का बेसिक फंडा था, इसमें हमको यही चीज़ें करनी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको VMC मशीन पे कॉर्नर ऑफसेट कैसे लेते हैं। और ये वीडियो VMC मशीन के ऑफसेट का सेकंड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफसेट कैसे लेते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। VMC मशीन पे ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले आपको MDI मोड सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप मशीन पे MDI मोड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको अपने मशीन के स्पिंडल यानी टूल को रोटेट करना होगा। टूल को रोटेट करने के लिए आपको कमांड देनी होगी M03S2000। ये कमांड देंगे उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट और साइकिल बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप साइकिल बटन को प्रेस करेंगे मशीन का स्पिंडल यानी टूल रोटेट करने लगेगा। अब आप हैंडल मोड को सिलेक्ट करिए। हैंडल मोड को सिलेक्ट करेंगे और MPG की मदद से अपने टूल को वर्कपीस की एक्स एक्सिस वाली साइड पर ले जाकर टच कराएंगे। बहुत ही धीरे धीरे अपने टूल को वर्कपीस की एक्स एक्सिस वाली साइड पर टच कराना है, और जैसे ही आपका टूल वर्कपीस के एज को टच करेगा इसी कंडीशन पे आपको टूल होल्ड कर देना है और मशीन के कंट्रोल पैनल पे चलना है। जो भी की मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा वो आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे ऑफसेट की दबाना है। ऑफसेट की आप यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर के सर्कल में दिखाया है। इस की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी ऑफसेट वाली। ये ऑफसेट विंडो जो है टूल हाइट कंपनसेशन और टूल ऑफसेट विंडो है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये जेड एक्सिस के लिए एप्लीकेबल होती है। आपको वर्क दिख रहा है रेड सर्कल में, इस बटन को प्रेस करना है, और जैसे ही आप वर्क बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने वर्क कोऑर्डिनेट की विंडो ओपन हो जाएगी। ये देख लीजिए, यहां पर आपको G54, G55, G54.01, G56 ये चार ब्लॉक दिख रहे हैं। तो इसमें आपको G54.01 वाला जो ब्लॉक है यहां पर ऑफसेट देना है, और इस पे ऑफसेट देने के लिए आपको क्या करना होगा, जो येलो कलर का कर्सर वाला मार्क दिख रहा है आपको, इस कर्सर मार्क को नीचे लेके आना है। नीचे लाने के लिए आपको एरो की प्रेस करने होंगे या फिर आप पेज डाउन पेज अप बटन की हेल्प से इस येलो मार्क को नीचे लेके आएंगे। जैसे ही आप येलो मार्क को एक्स के ऊपर लेके आ जाएंगे तब आपको प्रेस करना है X0.0। यहाँ पर आपको X0.0 टाइप करना है। जैसे ही आप X0.0 टाइप करेंगे तो नीचे मेजर की बन के आ जाएगा। अगर मेजर की बन के नहीं आ रहा है और आपके सामने यही चीज लिख के आ रही है तो आप क्या करिए, OPRT जो बटन है इसको ऑपरेटर पैनल बटन बोलते हैं, इसको प्रेस कर दीजिए तो आपके स्क्रीन पर जो है मेजर बटन बन के आ जाएगा। इस मेजर बटन के नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस कर देना है। याद रखना है X0.0 टाइप करना है और मेजर की को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप मेजर की को प्रेस करेंगे आपका जो है एक्स एक्सिस का ऑफसेट हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, वाई एक्सिस में ऑफसेट करना है। तो अपने टूल को हैंडल मोड में वाई एक्सिस वाले एज पर उठाकर ले जाना है और वाई एक्सिस पे टच कराना है। तो यहां पर देख लीजिए वाई एक्सिस में हमारा टूल जो है टच हो रहा है। जैसे ही वर्कपीस की एज पर हमारा टूल टच हो जाएगा, हम अपने कंट्रोल पैनल पे आएंगे और वहां पर ऑफसेट की दबाएंगे, फिर वर्क दबाएंगे, फिर ओपीआरटी बटन को प्रेस करेंगे, फिर अपने पैनल पे एरो की मदद से वाई एक्सिस वाले ब्लॉक में लेके जाएंगे अपने कर्सर को और टाइप करेंगे वाई 0.0। जैसे ही वाई 0.0 टाइप करेंगे, उसके बाद हम मेजर की को प्रेस कर देंगे और मेजर की को प्रेस करते ही हमारा वाई एक्सिस का ऑफसेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक्स और वाई एक्सिस में कॉर्नर ऑफसेट हो गया। इस प्रोसेस को एक्स वाई कॉर्नर ऑफसेट मेथड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। सेंटर ऑफसेट मेथड जो है काफी हार्ड था, बट कॉर्नर ऑफसेट मेथड बहुत ही इजी है। अब हम जेड एक्सिस में ऑफसेट लेंगे। तो जेड एक्सिस में ऑफसेट लेने के लिए हम अपने टूल को वर्कपीस के टॉप सरफेस पे टच कराएंगे। जैसे ही हम वर्कपीस के टॉप सरफेस पे टच कराएंगे, तो हम मशीन के पैनल पे ऑफसेट बटन को प्रेस करेंगे। ऑफसेट बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम वर्क कोऑर्डिनेट बटन को प्रेस करेंगे और फिर ओपीआरटी बटन को प्रेस करके एरो की मदद से हम कर्सर को जेड एक्सिस में लेके आएंगे और टाइप करेंगे जेड 0.0। इस तरह से हमारा जो जेड एक्सिस का ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान आपको यहां रखना है कि जेड एक्सिस में ऑफसेट के लिए हमें टूल की हाइट और टूल का डाया वो मेंशन करना पड़ेगा, और उसको मेंशन करने के लिए आपको जो G43 है उसमें आपको उसी नंबर में वैल्यू देनी है हाइट की जो आप टूल सेलेक्ट करोगे। जैसे आपने एक नंबर टूल सेलेक्ट किया, तो उसकी हाइट को आपको या तो मैन्युअली निकालना पड़ेगा या फिर आप मशीन में जाके टूल हाइट गेज की मदद से इसको डालेंगे। यहां पर तो H में आप जो है टूल हाइट डालेंगे और ज्योमेट्री D में आप उसकी डाया की वैल्यू डालेंगे, और जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप G43, H1, H2, H3, H4 जो भी टूल सेलेक्ट करोगे वो चीज यहां पर मेंशन कर दोगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि टूल हाइट गेज से आप किस तरह से ऑफसेट ले सकते हैं। G43 का कॉन्सेप्ट भी आपको अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा, कैसे आप जेड एक्सिस का ऑफसेट लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पे लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं VMC और HMC मशीन की टूलिंग के बारे में। कौन कौन सी टूलिंग हम यूज़ करते हैं, क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है, कैसे हम इनका सिलेक्शन करते हैं और कैसे हम इनकी जो है सेटिंग करते हैं, तो ये सारी डिटेल जो है हम इस वीडियो सीरीज़ में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ VMC और HMC मशीन में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में। यहाँ पर जो है हमने कुछ टूल्स रखे हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हम टूलिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी मशीन को सेलेक्ट करने के लिए, उसके स्पिंडल में लगने वाले टूल होल्डर के बारे में। देखिए सबसे कॉमन चीज़ जो होती है वो उसका टूल होल्डर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टूल होल्डर में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है टूल होल्डर VMC मशीन में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये टूल होल्डर का नाम क्या है, ठीक है। जनरली तो आपको जो है जो टूल होल्डर केस में आपको जो है ये स्पेसिफिकेशन कंपनी की तरफ से मिल जाता है, उस पर लिखा होगा BT30, BT40 या BT50, ठीक है। उसके बाद जो है उसके आगे लिखता है कि ER25 या 30 या 16, ये ER16, 25 ये क्या होता है। उसके बाद जो है 150L, 250L, 350L या 100L, ये ऐसी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बट जब आप मशीन पे डायरेक्ट जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको सिर्फ होल्डर मिलता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है, जैसे कि ये BT40 का है, ठीक है, उसके लिए जो है आपको एक चार्ट फॉलो करना पड़ता है। मैं चार्ट आपको जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे BT40 D1 1.750, ठीक है, ये इंच में दी हुई है, और 44.45 जो है ये MM में है डायमेंशन, ठीक है।
उसके बाद देखिए D2 जो है 63 और आपका जो है F, ये जो वैल्यू दी है 27, A की वैल्यू दी है 2 और G दिया है थ्रेड, ठीक है, M16। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ है यहाँ पर दी हुई है, D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, ठीक है। D1 जो है आपका ये वाला जो डाया है, ये D1 है, ठीक है, ये वाला जो डाया है D1 है। अगर इस रेंज में आता है तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है टूल होल्डर है। यहाँ पर मैंने जो है BT40 यूज़ किया है, इसलिए मैंने आपको जो है डायरेक्ट BT40 का जो है स्पेसिफिकेशन दिखाया है, ठीक है। D3 जो है आपका, ये आपका माइनर डाया होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला डाया, अगर आप ये डाया चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो दी होगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको एक चीज़ चेक करनी है तो इनका जो है रेशियो निकालना होगा। BT का मतलब जो होता है वो होता है टेपर वैल्यू, टेपर होता है ये, यहाँ पर जो टेपर दिया होता है इसका एक स्टैंडर्ड रेशियो है, 7:24 का जो है रेशियो आपको मिल जाएगा, तो ये जो है BT स्पेसिफिकेशन का जो है आपका टूल होल्डर है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बाकी और डायमेंशन भी दी हुई है, जैसे कि F दिया हुआ है, LGT दिया हुआ है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। इसका एक चार्ट आपको जो है मैंने वहाँ पर दिखाया है, ये जो आपका चार्ट है इसके हिसाब से ही जो है ये होगी। उसके बाद देखिए जी जो वैल्यू दी हुई है वो ये होता है, यहाँ पर जो थ्रेडिंग होती है वो M16 की होती है BT40 में, ठीक है। यहाँ पर लगता है आपका पुल स्टड, ठीक है, पुल स्टड भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो होता है पुल स्टड होता है, ये यहाँ पर जो है टाइट होता है और ये स्पिंडल के अंदर जो है इसको ऊपर की तरफ जो है इंगेज करके रखता है, ठीक है, पुल स्टड इसको बोलता है, ये इस टूल होल्डर को ऊपर की तरफ इंगेज करके रखता है जिससे कि टूल जो है मूव ना करे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये टेपर वैल्यू यहाँ पर क्यों दी होती है। सबसे पहला सवाल यही आएगा, इंटरव्यू में भी जो है आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टेपर वैल्यू इसलिए दी जाती है ताकि जो है इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो है बढ़ जाए। अगर आप ये स्ट्रेट बनाएंगे तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, अगर आप ये टेपर वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ पर जो है इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतनी जो है इसमें स्टेबिलिटी आएगी। होल्डिंग डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए जो है यहाँ पर टेपर वैल्यू दी जाती है। और ये टेपर वैल्यू कितनी होती है, 7:24 का जो है इसका टेपर रेशियो रहता है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने जो है VMC और HMC प्रोग्रामिंग बुक के टूलिंग सेक्शन में हमने जो है ये पूरी डिटेल दी हुई है इसकी, ठीक है। ये तो हो गया आपका टेपर वैल्यू। दूसरा, यहाँ पर जो है दो रिसेस दिए जाते हैं, ये जो ग्रूव बने हुए हैं ये एक्चुअल में टूल को जो है टाइट करने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो है टूल होल्डिंग डिवाइस के अंदर जो है इसको रखा जाता है। मैं टूल होल्डिंग डिवाइस भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये जो है आपका टूल होल्डिंग डिवाइस है, इसके ऊपर जो है यहाँ सेंटर में जो है आप इसको रख देंगे तो ये जो है ग्रूव के अंदर ये दोनों इंगेज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये जो इंगेज हो जाएंगे वहाँ पर जो है आप इसको ऊपर से इसका जो ऊपर का जो नट होता है, नट और ईयर कॉलेट, वो इस पर लगा के टाइट कर सकते हैं, ठीक है। टाइट करने के लिए आपको जो है रेंच यूज़ करनी होती है, रेंच भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है आपकी ये रेंच होती है और ये यहाँ पर जो है ये नट है, नट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो नट है ये फ्लश टाइप का नट है, ये नट जो है यहाँ पर जो है टाइट किया जाता है। इसके अंदर जो है आपको ईआर कॉलेट लगाना होता है, ईआर कॉलेट का जो साइज होगा वो स्टैंडर्ड होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक टूल होल्डर के अंदर एक ही टाइप का जो है ईआर कॉलेट लगा सकते हैं। अब मैं ईआर कॉलेट भी आपको दिखा देता हूँ, ये होता है आपका ईआर कॉलेट, ठीक है। ये ईआर कॉलेट के अंदर जो है आपको कोई भी टूल लगाना है, चाहे आपको टेप लगाना है, चाहे आपको एंडमिल लगाना है, ड्रिल लगाना है, तो आप जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। इसका जो आईडी है ये भी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वेरिएशन थोड़ा सा हो सकता है, 1 mm या 0.5 mm तक का वेरिएशन होता है। ऊपर से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है लाइनिंग होती है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ लाइनें होती हैं, ये एक्चुअल में लाइनें होती हैं इसके अंदर से कूलेंट को पास कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो गैप दिया होता है, ये टेपर वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगी, ये टेपर होता है।
टेपर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम ग्रिपिंग फोर्स जो है यहाँ पर डेवलप हो पाएगी, और आपकी जैसे कि ये आपकी एंड मिल है, इस एंड मिल को जो है आपको इस ईआर कॉलेट के अंदर जो है डालना है, इस टाइप से जो है इसको डालते हैं और यहाँ से जो है इसको टाइट कर देते हैं। जैसे ये इसको प्रेस कर देंगे तो इसके ऊपर एक ग्रिपिंग फोर्स डेवलप होगा और ये जो है इसको ग्रिप कर लेगा टाइटली, ताकि जो है स्लिप ना करे जब हम इसको लगाएं। तो अब ईआर कॉलेट के अंदर ये टेपर वैल्यू होती है, यही टेपर वैल्यू जो है आपके टूल होल्डर के इस इनसाइड सेक्शन के अंदर होती है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे जूम इन करके तो आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर जो है टेपर वैल्यू होती है, ठीक है, ये टेपर होता है, इस टेपर वैल्यू के अंदर जो है आपका ईयर कॉलेट ऐसे रख जाता है, ठीक है, इसके ऊपर जो है चकनेट लगाते हैं। अब क्योंकि आपको जो है एक लगाने का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको टाइट करना है। कभी भी आप जो है ईयर कॉलेट को इसके ऊपर रख के और यहाँ पर जो है टूल लगा के जो है इस टाइप से अगर आप टाइट करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं लगेगा, ये एक गलत प्रोसीजर है। इसको लगाने का सही प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपको टूल लगाना है तो सबसे पहले तो जो है आपको ये ईआर कॉलेट को जो है इस फ्लश नट के ऊपर जो है यहाँ पर प्रेस करना होगा, ठीक है। जब आप प्रेस कर लेंगे तो ये जो है इसके अंदर होल्ड हो जाएगा, ठीक है, आपको इस टाइप से दिखेगा। जब ये होल्ड हो जाए इसके अंदर तब आपको जो है टूल लगाना है इसमें, ठीक है। जब टूल लगा दिया आपने फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इस टूल होल्डर के ऊपर ऐसे लगाना है, ठीक है। उसको जो है स्लाइटली अपने हाथ से जो है टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद जब आपका जो है फ्री मूवमेंट ना हो तब आपको जो है यहाँ पर रेंच लगानी है। रेंच लगानी है, देखिए हेल्दी पर्सन है तो जो है इसको उतना टाइट कर सकता है जब तक कि ये स्लिप ना हो, ठीक है, इतना टाइट आपको करना है। लेकिन इसका भी एक टॉर्क लगाने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसके ऊपर जो है कितना टॉर्क लगाना है इसका भी एक चार्ट है। जैसे BT40 है, इसके ऊपर अगर आपको टॉर्क लगाना है तो वो आप 100 न्यूटन का टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई कमज़ोर इंसान है वो इसके ऊपर पावर लगाएगा तो उसकी जो ताकत है वो तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो इतना टॉर्क नहीं लगा पाएगा, उसको लगेगा कि जो है मैंने टाइट फुली कर दिया है। एक मजबूत इंसान है जिसके पास पावर ज़्यादा है वो अगर टाइट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइट कर देगा इसको, जिसकी वजह से इसके थ्रेड डैमेज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक लिमिटेड फोर्स लगाना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, रेंच के साथ में जो है टॉर्क रेंच यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टॉर्क सेट कर दीजिए 100 न्यूटन का जो है आप टॉर्क सेट कर दीजिए और जो है इसको टाइट कर दीजिए। तो 100 न्यूटन के बाद जैसे ही इसमें 100 न्यूटन का फोर्स होगा टॉर्क रेंच के बाद तो ये जो है स्लिप कर जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है 100 न्यूटन का टॉर्क आपने इसमें लगा दिया है, अब जो है आपका ये बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप ये बेसिक सा जो है आपका टूल का ये टूल होल्डर में आपको जो है टूल लगाना है। यहाँ पर जो है आपका पुल स्टड लगता है M16 की, इसमें जो है थ्रेडिंग होती है, यहाँ पर पुल स्टड लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको टूल होल्डर को ऐसे करके आप जो है स्पिंडल में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि ईआर कॉलेट एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है इसके अंदर, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ER25 का है, ठीक है, तो 25 का है आपको चेक करना है, तो आप क्या करिए ER25 के अंदर भी जो है आपको अलग अलग आईडी के जो है टूल होल्डिंग के लिए आईडी जो है यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कितने आईडी का है देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है ER25-8, यहाँ पर जो है ER25-8 लिखा है, तो ये 8 mm का जो है इसमें टूल लगा सकते हैं। इस टूल होल्डर के जो अंदर हमने ER25 ही लगाया है उसके अंदर जो है हम 10 mm का जो है ये एंड मिल लगाया हुआ है, इसमें हम चेक करा देते हैं आपको। जी हाँ, ये 10 mm का जो है ये यहाँ पर टूल हमने लगाया, तो ये 10 mm का ER25 है। ER कॉलेट की जो आईडी है वो 10 mm की है, ठीक है। तो ER25 ही इसके अंदर लगेगा, BT40 का टूल होल्डर हो गया, इसके अंदर ER25 का जो है ईयर कॉलेट लगेगा, और ईयर कॉलेट के अंदर जो है अलग अलग डाया के जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पर जो है एक ये जो है एंड मिल है, इसका डाया देख लेते हैं, इसका डाया जो है 5 mm है, ठीक है, ये 5 mm की जो है एंड मिल है, ठीक है, 5 mm इसका जो है शेंक का डाया है। तो इसके लिए जो है हमको ईयर कॉलेट लगाना होगा
या 25 भी लगेगा, लेकिन 5 mm आईडी का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 mm आईडी का हमको ER कॉलेट ER 25 लेना होगा। ER 25 क्या है? ER 25 इसका साइज है, OD साइज है, ठीक है। अब इसी तरह से अलग अलग साइज के जो है ER कॉलेट्स आते हैं। ER 16 का आता है, ER 18 आता है, ER 25 आता है, ER 40 आता है, ER 50 भी आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग साइजेस के जो है आपको ER कॉलेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीज़ें और भी आपको जो है इसके साथ में दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको जो है एक बेसिक आइडिया लग जाए कि जो आप ER कॉलेट यूज़ करेंगे या फिर आप जो टूल होल्डर यूज़ करेंगे उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जो है टूल होल्डर को जो टाइट करने का जो डिवाइस है, यहाँ पर जो है आप टूल होल्डर को फिक्स कर सकते हैं और रेंच को लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपका चार्ट है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें जो है फोर्स लगाना है। ER 25 में जो है स्लॉटेड टाइप का अगर नट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है स्लॉटेड टाइप का नट है, इसके ऊपर जो है आप 77 फिट पर पाउंड का आप जो है इसमें फोर्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो टॉर्क रेंच अडेप्टर यूज़ करेंगे वो आप देख सकते हैं, ये दिया है उसका स्पेसिफिकेशन नंबर 4603, ये जो है आपका स्पेसिफिकेशन नंबर है। इस नंबर के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें जो है टॉर्क रेंच यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है अलग अलग ER कॉलेट के हिसाब से, जैसे 16 का है तो इसमें जो है आपको 42 पाउंड, ठीक है, इसमें जो है आप 42 फिट पर पाउंड का जो है आप इसमें फोर्स लगा सकते हैं, 30 फिट पर पाउंड का जो है आपको इसमें फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, आईडी का, और ऑर्डर रेंज नंबर ये है। तो इस टाइप से जो ये आपका जो चार्ट है, ये हमने पूरा का पूरा चार्ट है, इस टाइप के अलग अलग चार्ट है वो हमने आपको जो है अपनी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, और अपना स्पेसिफिकेशन डेटा जो है हमने अपनी ऐप के अंदर भी आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये डेटा जो है बहुत ही स्टैंडर्ड डेटा है, और यहाँ पर देख सकते हैं रिटेंशन नॉब अगर आपकी जो है BT 30 टेपर के साथ में है तो यहाँ पर देख सकते हैं रेंच जो है आप फ्लैट यूज़ करेंगे 0.535 इंच की, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगाएंगे वो है 36 फुट पर पाउंड का जो है आप इसमें जो है टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। ISO 30 के अंदर जो है आप यहाँ पर लगाएंगे 36 फिट पर पाउंड का लगाएंगे, और 40 एनी टेपर, मतलब BT 40 है, चाहे आपका CAT 40 है या फिर आपका HSK 40 है, तो उसमें जो है आप यहाँ पर लगाएंगे 76 फुट पर पाउंड का, ठीक है। तो वही अंदाज़ा आपका जो है लगभग ये रहता है कि यहाँ पर जो है लगभग 100 न्यूटन का जो है आप फोर्स यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो BT 50 है, CAT 50 है, तो ये आपको जो है अलग अलग टूल होल्डर के हिसाब से जो है आपको एक स्पेसिफिकेशन चार्ट जो है यहाँ पर सेट करना होता है, ठीक है। ये चार्ट जो है अब उसी हिसाब से जो है आप इसमें फोर्स लगा सकते हैं। जो देखिए जो ताकतवर है, जो इंसान ताकतवर है उसके ऊपर जो है फोर्स ज़्यादा ही लगेगा, वो टाइट इसको सही तरीके से कर लेगा। लेकिन जो जो ऑपरेटर जो है कमज़ोर है, ठीक है, जो हल्की बॉडी के हैं, जिसके पास कम पावर है, वो कितना फोर्स लगाएंगे, उनको जो है कैसे कैलकुलेट करना है, उनको जो है अपना टॉर्क सेट करना है। अगर कोई जो है 60 फुट पर पाउंड का जो है टॉर्क लगा पा रहा है तो उसको जो है ध्यान रखना है कि मुझे थोड़ा सा टॉर्क और लगाना है, जब तक लगाना है जब तक कि जो है ये स्लिप ना हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टॉर्क रेंच का जो है स्पेसिफिकेशन चार्ट जो है यहाँ पर बनाया जाता है। टूलिंग आपको स्टैंडर्ड यूज़ करनी है। टूलिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम जो है अगर हम एक स्टैंडर्ड टूलिंग नहीं यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि सैंडविक है, कैनामेटल है, ये बहुत ही महंगी टूलिंग जो है होती हैं, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतनी महंगी टूलिंग यूज़ नहीं होती है। लेकिन हम चाइना के और सैंडविक के बीच का लेवल एक बहुत अच्छी टूलिंग आपको मिलती है, वो आपके जो है स्विट्जरलैंड की जो है टूलिंग आप सेलेक्ट कर। तो ये तो बात हो गई आपके टूल होल्डिंग डिवाइस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप के जो है हम एंड मिल यूज़ करते हैं, फेस मिलिंग कटर यूज़ करते हैं, शोल्डर मिल कटर यूज़ करते हैं, क्या क्या उनका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन में हम जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप के कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ भी हैं जो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं VMC और HMC टूलिंग की। यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे एंड मिल्स के बारे में, क्या होती है एंड मिल,
कितने टाइप की एंडविल होती है और कौन सी एंडविल किस ऑपरेशन के लिए बेटर होती है। तो यहाँ पर जो है हम कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एंडमिल एक्चुअल में है क्या। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एंड पॉइंट जो होता है उसका एक्टिव होता है, यानी कि जो भी कटिंग आपको करनी है वो एंड पॉइंट से ही करनी है, तो वो आपकी एंडमिल कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये एक एंडमिल दिखाता हूँ सॉलिड कार्बाइड की। यहाँ पर जो है ये आपका जो है एक्टिव पोर्शन है, और ये जो लास्ट टिप है यही जो है फर्स्ट टच पॉइंट होता है किसी भी एंडमिल का। तो ये एंड पोजीशन है आपकी, अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन है ये एंड पोजीशन है, तो यहाँ पर जो है आपका मिलिंग जो है स्टार्ट होगी, तो ये आपकी एंडमिल कहलाती है, इसलिए जो है इसको एंडमिल बोलते हैं। ठीक है, अब एंडमिल में कितने टाइप की एंडमिल होती है ये भी हम जान लेते हैं। वैसे तो हम एंडमिल को जो है कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर कटिंग, नॉन सेंटर कटिंग है, ठीक है, फिनिशिंग और रफिंग हो सकती है, इंडेक्सिबल, नॉन इंडेक्सिबल, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम जो है एंडमिल को डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेंटर कटिंग और नॉन सेंटर कटिंग एंडमिल क्या होती है। ठीक है, सेंटर कटिंग और नॉन सेंटर कटिंग एंडमिल को जानने के लिए आप जो है VMC और HMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 286 पे चले जाइए। वहाँ पर जो है आपको एक डायग्राम मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सेंटर कटिंग है, ये नॉन सेंटर कटिंग है, आपको जो है इस टाइप से दिखेगी। अब इसकी अगर सॉलिड पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि जो है ये आपकी जो है सेंटर कटिंग है और ये नॉन सेंटर कटिंग है। नॉन सेंटर कटिंग में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में जो है गैपिंग है, यानी कि एक सर्कल है, और सेंटर कटिंग में देखिए कोई भी गैप नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो टूल है ये सेंटर कटिंग है, इसका यूज़ कहाँ करना है। सेंटर कटिंग टूल का यूज़ हमको करना होता है वहाँ पर जहाँ पे हमको स्लॉट बनाना है, पॉकेट बनानी है, सर्कुलर पॉकेटिंग करनी है, या फिर जो है हमको जो है सिर्फ जो है सरफेस में जो है प्लंजिंग करनी होती है। ठीक है, प्लंजिंग ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पर जो है हम सेंटर कटिंग एंडमिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हमको जो है साइड मिलिंग करनी है तो हम जो है नॉन सेंटर कटिंग एंडमिल का यूज़ करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है नॉन सेंटर कटिंग है, इसका यूज़ जो है साइड मिलिंग के लिए करना है। ठीक है, साइड से अगर हमको जो है वर्कपीस का मटेरियल रिमूव करना है तो हम जो है ये वाली एंडमिल यूज़ करेंगे, नॉन सेंटर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया सेंटर और नॉन सेंटर कटिंग एंडमिल के बारे में। अब बात कर लेते हैं रफिंग एंडमिल और फिनिशिंग एंडमिल क्या होती है। देखिए, अगर हमको फिनिशिंग ऑपरेशन करना है तो हम जो है सॉलिड कार्बाइड की ये वाली एंडमिल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप इसको क्लोज व्यू में देख पाएंगे, क्लिपिंग में आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये आपकी हो जाती है फिनिशिंग एंडमिल। ठीक है, रफिंग एंडमिल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रफिंग एंडमिल को जो है आप यहाँ से देख पाएंगे, क्लिपिंग में आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्या होता है, इसके जो फ्लूट बना है इसके साइड में जो है पेरिफेरी पे ये जो है टीथ बने हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है टीथ बने होते हैं। रफिंग एंडमिल में क्या है, मटेरियल को जो है छोटी छोटी चिप्स में जो है इसको कन्वर्ट करना होता है, तो हर एक पॉइंट से जो है ये मटेरियल को रिमूव करता है। इससे क्या है, मटेरियल बहुत जल्दी निकल जाता है, वाइब्रेशन भी नहीं होती है, इसलिए जो है ये इसके ऊपर जो है ये टीथ बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो टीथ हैं बहुत ही तेज़ी से जो है मटेरियल को रिमूव करते हैं, इसमें जो है वाइब्रेशन नहीं होती। आप जो है कितना भी मटेरियल जो है आप रिमूव करेंगे, मैक्सिमम जो है मटेरियल इससे जो है इजीली निकल जाता है, इसलिए जो है ये इस टाइप से बनाई जाती है। ये होती है रफिंग एंडविल। ठीक है, जितने भी टीथ बने होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है रफिंग ऑपरेशन के लिए करना है। इसमें आप अगर चाहेंगे कि फिनिशिंग आपको मिल जाए तो फिनिशिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें बहुत ही छोटी छोटी चिप्स जो है निकलती है। ठीक है, और फिनिशिंग अगर ऑपरेशन करना है तो आपको जो है रेगुलर फ्लूट वाली जो है ये जो है एंडमिल यूज़ करनी है। इसमें जो है पूरे फ्लूट जो है बने होंगे। ठीक है, आपको जो है पिक्चर में भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, या दूसरा बात करें कि फ्लैट एंड एंडमिल क्या होती है और बॉल नोज एंडमिल क्या होती है। देखो, फ्लैट एंड आपको पता चल गया कि ये देखो इसके ऊपर जो है ये पूरा फ्लैट होगा, इसके टीथ और टीथ के बीच में जो है गैपिंग जो है बिल्कुल अगर आप स्केल रखेंगे तो बिल्कुल जो है 0-0 टॉलरेंस होगा, ये फ्लैट होगी। ठीक है, ये फ्लैट एंडमिल हो गई। इसका यूज़ जो है फ्लैट जो है अगर आपको जो है फेस मिलिंग करना है तो भी जो है आप वहाँ पर फ्लैट एंडमिल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है बॉल नोज। बॉल नोज क्या होता है,
जैसे कि ये जो है इसके ऊपर एक बॉल शेप में जो है बना होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये जो है बॉल शेप में बना होगा, तो ये बॉल नोज एंड मिल कहलाती है, ठीक है। बॉल नोज एंड मिल का यूज़ करते हैं 3D कंटूर मिलिंग के लिए। अगर आपको जो है प्रोफाइल मिलिंग करनी है, 3D मिलिंग करनी है, आपको कर्वेचर देना है, टर्बाइन ब्लेड बनाने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, आपको बॉल मिल का यूज़ करना होता है। बॉल मिल में क्या है, बॉल मिल में क्या है, आपको 3D मिलिंग होती है। फ्लैट एंड मिल का यूज़ आप वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको जो है एक फ्लैट सरफेस बनाना होता है, चाहे आपको स्लॉट बनाना है, चाहे आपको जो है पॉकेट बनानी है, ठीक है, या फिर आपको जो है एक फ्लैट सरफेस या फेस मिलिंग टाइप का ऑपरेशन करना है, तो आप जो है फ्लैट एंड मिल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फ्लैट एंड मिल जो है बिल्कुल सिंपल जो है आप स्केल के ऊपर रख के देख लीजिए, आपको जो है 0-0 जो है आपको वहाँ पर स्लोप मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। बॉल नोज एंड मिल में आपको क्या है, कर्वेचर मिलेगा ऊपर, ठीक है, एक बॉल टाइप की बनी होगी। अब बात करते हैं कि इंडेक्सेबल एंड मिल क्या होती है और नॉन इंडेक्सेबल या सॉलिड कार्बाइड एंड मिल क्या होती है। इंडेक्सेबल में क्या होता है, इंडेक्सेबल में आपको दिखा देता हूँ, ये होती है इंडेक्सेबल, ठीक है। इंडेक्सेबल में क्या होता है, आपको जो है यहाँ पर जैसे कि टीथ बने होते हैं इसमें, सॉलिड में इसमें टीथ नहीं बने होते हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें एक रिसेस दिया जाता है, इसमें एक स्लॉट दिया जाता है जिसमें कि आप इंसर्ट लगा सकते हैं। इंडेक्सेबल में क्या है, इंसर्ट को आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी इंसर्ट ख़राब होती है तो आप जो है दूसरी इंसर्ट लगा के जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए जो है इंडेक्सेबल आई हुई है, ठीक है। अब सॉलिड कार्बाइड में क्या है, ये होती सॉलिड है, ठीक है, लेकिन जैसे इसका अगर टूथ ब्रेक कर गया तो ये बेकार हो जाएगी, ठीक है, इसमें हमको जो है कोई रिप्लेसमेंट इसका जो है अल्टरनेट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो है पूरा का पूरा जो है इंडेक्सेबल, पूरा इंसर्ट जो है केवल चेंज करनी है, आपकी जो है एंडमिल वही रहती है, इसमें ये फ़ायदा रहता है। लेकिन इंडेक्सेबल आपको जो है एक बड़े साइज़ का ही जो है आप इंडेक्सेबल यूज़ कर सकते हैं, छोटे साइज़ की एंडमिल यूज़ नहीं कर सकते हैं। छोटे साइज़ में अगर आपको जैसे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये 5 mm की है, तो 5 mm में अगर आप जाएंगे इंडेक्सेबल में तो आपको जो है वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, जो स्ट्रेंथ जो है आपको सॉलिड कार्बाइड में मिलेगी, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इंडेक्सेबल में। अब ज़्यादातर बड़े साइज़ की जितनी भी एंडमिल होती हैं वहाँ पर जो है इंडेक्सेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडेक्सेबल ईजी होती है, ईजी टू यूज़ होती है, इसमें क्या है आपको सिर्फ इंसर्ट लगानी है, चेंज करनी है और जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से देखिए, ये आपका इंडेक्सेबल बॉल नोज एंड मिल है, ठीक है, ये बॉल टाइप की होती है, इसमें जो है आप एक इंसर्ट लगाएंगे और आपको जो है जैसे ये वियर आउट होगी इसको आप रिप्लेस कर दीजिए दूसरी इंसर्ट से और फिर दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके बॉल नोज इंडेक्सेबल एंड मिल, ठीक है, ये आपका हो गया फ्लैट इंडेक्सेबल एंड मिल, ठीक है। अब एक और टूल आता है इसमें, ठीक है, जो कि स्पेशल कैटेगरी में आता है, ये होता है आपका टी स्लॉट मिलर। इसमें अगर आपको जो है टी स्लॉट बनाना है तो आप जो है इस टाइप का टूल यूज़ करते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि दो इंसर्ट तो जो है ऊपर की साइड रहती हैं, दो इंसर्ट जो है नीचे की साइड रहती हैं, ठीक है, आप जो है क्लिपिंग में भी देख पाएंगे। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ होता है जैसे कि आप VMC या HMC का जो बेड होता है, बेड के अंदर जो है आप नीचे से एक स्क्रू लगाते हैं ताकि जो है फिक्सचर को होल्ड करना है, तो वहाँ पे एक नीचे जो है बोल्ट लगाना होता है, तो बोल्ट जहाँ पे लगाते हैं तो वो एक टी स्लॉट बनता है, तो वो टी स्लॉट बनता किससे है, इसी टी स्लॉट मिलिंग टूल से बनता है, ठीक है। ये टी स्लॉट मिलिंग टूल है, बहुत ही गजब का टूल होता है और इसका ऑपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक है, मैं आपको जो है इसकी क्लिपिंग भी दिखा देता हूँ, ठीक, काफ़ी एडवांस टूल है और इसके ऊपर भी जो है आप इंडेक्सेबल इंसर्ट लगी हुई है, यानी कि इन इंसर्ट्स को आप जो है चेंज कर सकते हैं, तो जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इंडेक्सेबल और सॉलिड कार्बाइड का अगर कंपेरिजन करोगे तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि इंडेक्सेबल जो है रफिंग ऑपरेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन अगर आप जो है फिनिशिंग चाहिए तो आपको जो है सॉलिड कार्बाइड ही यूज़ करना है। देखो, इसमें जो है आपको उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी, ये जो है मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, रफिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो आप जो है इंडेक्सेबल यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है अगर फिनिशिंग ऑपरेशन चाहिए, हार्ड मटेरियल है, तो आप जो है सॉलिड कार्बाइड एंड मिल का ही यूज़ करिए, ठीक है,
ये मैं आपको ये एक टिप बता देता हूँ, एज ए टिप समझ के चलिए, ठीक है, कि आप जो अगर फिनिशिंग करना है तो आप सॉलिड कार्बाइड टूल ही मंगाइए, ठीक है। ये आप जो है रफिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर सेमी फिनिशिंग के लिए आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। अब इसके ऊपर एक चीज़ और भी आती है एंड मिल के ऊपर, देखिए कि एंड मिल के ऊपर नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं, ये नंबर ऑफ टीथ्स कितने होंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपको दो टीथ वाली भी मिल जाएगी एंड मिल, तीन टीथ की मिल जाएगी, चार टीथ की मिल जाएगी, पांच टीथ की मिल जाएगी, छह टीथ की मिल जाएगी। ये नंबर ऑफ टीथ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। आप जो है एक थंब रूल याद रख लीजिएगा टूल सिलेक्शन के लिए, कि कितने टीथ का आपको टूल लगाना है ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर जिसके ऊपर आपको मशीनिंग करनी है। अगर मटेरियल जो है जिसके ऊपर मशीनिंग करनी है वो हार्ड है तो आपको जो है नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करने हैं। क्यों इंक्रीज करने हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो है चिप लोड पड़ेगा। एक टीथ के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, ठीक है, मटेरियल रिमूव करने के लिए, यानी जितना अमाउंट जो है एक टीथ जो है निकालेगा अमाउंट, वो उसका चिप लोड कहलाएगा, ठीक है। अगर आपने जो है चिप लोड बढ़ा दिया हार्ड मटेरियल, तो चिप लोड ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो है टीथ टूट जाएगा। चिप लोड कम से कम पड़े तो इसलिए क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दो। जितना हार्ड मटेरियल है नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दो, जितना सॉफ्ट मटेरियल है नंबर ऑफ टीथ जो है कम कर दो। अब आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ टीथ कम क्यों करने हैं सॉफ्ट मटेरियल में, ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम मान के चलिए, एल्युमिनियम एक सॉफ्ट मटेरियल है, उसकी जो चिप होगी वो लंबी होगी, ठीक है। हार्ड मटेरियल होगा ब्रिटल होगा, उसकी जो चिप होगी बहुत छोटी होगी। छोटी जो चिप होगी वो छोटे गैप में जो है इजीली निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन जो बड़ी चिप होगी वो छोटे गैप में नहीं निकल पाएगी। अब उसमें क्या होगा, क्लॉगिंग होगी। क्लॉगिंग होगी तो फिर क्या होगा, मटेरियल रिमूव नहीं होगा, इसके ऊपर जो है हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, मटेरियल निकलेगा नहीं, तो जो है आपका या तो टूल टूटेगा या मटेरियल जिस पे आप वर्कपीस पे कर रहे हैं वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा। तो क्लॉगिंग ना हो इसलिए क्या करना है, टीथ से टीथ के बीच की डिस्टेंस को जो है बढ़ा देना है। अब टीथ से टीथ के बीच की डिफरेंस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पिच। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक टीथ है, दूसरा टीथ ये है, इस टीथ और इस टीथ के बीच के जो गैप है इसको पिच बोलेंगे, ठीक है। इस पिच को जो है जितनी ज़्यादा पिच होगी वो उतना ही सॉफ्टर मटेरियल में यूज़ करना है। जैसे एल्युमिनियम है, उसमें आप जो है दो टीथ का जो है आप टूल यूज़ करिए, आराम से काम करेगा, ठीक है। अगर उससे हार्ड ज़्यादा मटेरियल है, अगर आपको लगे कि हार्ड है मटेरियल, थोड़ी सी हार्डनेस इसकी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ फ्लूट्स बढ़ा दीजिए, तीन टीथ की जो है आप एंड मिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका स्टील है या क्रोमियम है या टाइटेनियम है, ये हार्ड मटेरियल है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टीथ आपको इंक्रीज करने हैं, ठीक है। इंक्रीज करने का मतलब है कि जैसे कि आपको जो है चार फ्लूट की एंड मिल यूज़ करनी है, चार टीथ की एंड मिल यूज़ करनी है, पांच टीथ की एंड मिल यूज़ करनी है, या छह टीथ की एंड मिल यूज़ करनी है, ठीक है। ये एक थंब रूल है, इसको याद करके चलिएगा कि जितने ज़्यादा टीथ उतना ही हार्ड मटेरियल आपको यूज़ करना है, जितने कम टीथ उतना ही सॉफ्टर मटेरियल आपको जो है यूज़ करना है। सॉफ्टर मटेरियल तो आपको जो है कम टीथ, और हार्डर मटेरियल आपको जो है ज़्यादा टीथ वाली जो है एंड मिल यूज़ करनी है। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है चिप लोड के ऊपर। और चिप लोड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि एक टीथ से कितना मटेरियल आपने जो है रिमूव किया। ये सारा का सारा डेटा आप जो है बुक के ऊपर देख सकते हैं, 288 पेज से जो है आप इसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसको आप आराम से पढ़िए, समझिए, ठीक है। चिप लोड क्या है, चिप लोड का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जो है याद कर लीजिएगा कि कैसे जो है हम चिप लोड कैलकुलेट करते हैं। चिप लोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से जो है हम RPM, फीड और कटिंग स्पीड, इसका जो है एक रेशियो निकालते हैं। इसी के हिसाब से जो है हमको RPM डिसाइड करना होता है, कितना जो है लोड आ रहा है। इसकी पूरी जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पर शो की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको जो है SFM कैसे निकालना है, RPM कैसे निकालना है, ये फार्मूला पूरा दिया हुआ है। उसके साथ में जो है आपको जो है ये
फीड पर टूथ कैसे निकालना है, फीड कैसे निकालना है, इसके चार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। ये SFM चार्ट आप देख लीजिएगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है, इस मटेरियल को जो है आपको फॉर्मूले में डालना है, फॉर्मूले से आपको जो है उस कटिंग स्पीड और फीड को निकालना है। ये पूरी डिटेल में आपको जो है आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस टाइप से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सही RPM, सही कटिंग स्पीड और फीड को आपको जो है लगाना है, जिससे कि आपको जो है पार्ट डेवलपमेंट में ईजी हो सके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एंड मिल के बारे में। एंड मिल से रिलेटेड कुछ और डाउट है, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिस आउट हो गई है, वो हम जो है आपको आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।